ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड एंड इफ यू हैव एनी डाउट मॉर्निंग और सर। एनीथिंग यू कैन मैसेज मी ऑन माय अदर अकाउंट। ठीक है, मतलब शिवम सर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने VSEPR के एक चार्ट बना के छोड़ दिया था। ठीक है, तो VSEPR में हम लोगों को अगर शेप्स एंड ऑल देखने हैं तो हम लोग उस चार्ट को इजिली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट से जहाँ से मेरा वीडियो ऑन है प्लीज वहाँ पे मुझे मैसेज मत करो, और एक अकाउंट है वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अब याद रखो ये चैप्टर कंप्लीट होने आ गया है। अभी ये VSEPR थियरी के बाद थोड़ा सा ही पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स का। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसी चैप्टर का एक्सटेंशन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद VSEPR थियरी। अब लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए H2O का मॉलिक्यूल दिया था। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे और MCQs दिए थे, तो आई होप तुम लोगों ने MCQs किए रहेंगे। एंड द वन हु इज अनोटिंग प्लीज रिमूव देम। ये ऐसे मत करो, ये स्क्रीन पे रह जाएगा। किसने लिखा था ये? अंडू कर दो, जरा जल्दी करो। ओके, तो अब H2O का मॉलिक्यूल मैंने तुम लोगों को दिया था। अब H2O के केस में मुझे बताओ सेंट्रल एटम तुम लोगों ने कौन सा लिया होगा? तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने सेंट्रल एटम ऑक्सीजन लिया होगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लोग देखने जाएंगे तो क्या आएगी? 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब यहाँ पे ये 1s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इनर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग हीलियम पकड़ के इन्हें नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब बचा क्या? तो एक तो बचा मेरे पास 1s2, सॉरी 2s2, और दूसरा बचा मेरा 2p4। ओके, अब मुझे बताओ मेरे पास H2 के अंदर मुझे पहले से 2p4, सॉरी 2p2 लिख दिया मैंने। हाँ, तो 2p4। अब H2O के अंदर मुझे पहले से दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और H2O में तुम लोगों को पता भी होगा ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डेड अटैच रहता है, तो मुझे दो बॉन्ड फॉर्म करने हैं और मेरे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक्साइटेशन करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन है तो इसको एक्साइट करने की नीड है क्या? तो नहीं है, बराबर बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्साइटेशन की देर इज नो नीड फॉर एक्साइटेशन, बट यहाँ पे एक ऑर्बिटल है बाहर वाला जो 2s का है और एक ऑर्बिटल है जो कि 2p का है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इन सब का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अगर करेंगे तो मुझे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं? एक s मिलेगा और p के तीन मिलेंगे, तो इसे मैं sp3, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, इसे हम लोग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगेन समवन हैज मैसेज मी ऑन दिस अकाउंट। याद रखो दूसरा एक अकाउंट है शिवम सर करके लिखा हुआ है, तो वहां पे तुम लोग मुझे मैसेज करना। यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो लिखने में प्रॉब्लम होगी, बाजू में ही मेरा मोबाइल है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को बोला कि ड्रॉ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, अब याद रखो ये तुम लोगों को तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में ही इतना सब लिखना है, हम लोगों को एंट्रेंस टाइम पे तो डायरेक्ट शॉर्टकट ही यूज करना है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम लोग कैसे बोलोगे? तो पहले तो आएगा 1s2 के दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हम लोगों को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एंड उसके बाद आएंगे एक दो तीन चार, ये आ गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, थर्ड और फोर्थ में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इनके नाम क्या आएंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे 1s2 और इन्हें हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री कैसे आने वाली है। तो शेप और ज्योमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहती है sp3 में? टेट्राहेड्रल। अरे कुछ याद है कि नहीं? तो बीच में रहेगा ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब ऊपर की तरफ दो लोन पेयर्स दिखेंगी मुझे, ऊपर की तरफ मुझे क्या दिखेंगी? दो लोन पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को तीन चीजें पूछी जाती है। पहली चीज क्या पूछी जाएगी? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे? तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, करेक्ट बोल रहे हो, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सिमिलरली अगर तुम लोगों को पूछा हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, तो कितनी बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं तुम लोगों को, बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? तो दो बॉन्ड पेयर आएंगी। तुम लोगों को अगर पूछा लोन पेयर कितनी है, तो कितनी लोन पेयर रहेंगी? दो लोन पेयर रहेंगी। अब
नेक्स्ट थिंग दे कैन आस्क इज इट्स ज्योमेट्री. मुझे बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या बोलोगे. अब याद रखना ज्योमेट्री मतलब क्या रहता है, तो जिसमें हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों लेते हैं. एंड सो हम करेक्ट आंसर बोल रहे हो प्रणव, करेक्ट आंसर है. इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. अब याद रखो टेट्राहेड्रल ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसके लिए हम लोग के पास एक मस्त शॉर्टकट है टीडी, ठीक है. एंड इसका अगर किसी ने शेप पूछा तुम लोगों को एग्जाम में, तो इसका शेप क्या बोलोगे बताओ. करेक्ट, इसका शेप रहता है वी शेप. तो हम करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, सॉरी प्रणव ही करेक्ट है एंड प्रणव. वी शेप ऑल्सो कॉल्ड एज बेंड शेप, ऑल्सो कॉल्ड एज बेंड शेप, ठीक है. तो एक तो वी शेप बोल सकते हो या फिर बेंड शेप बोल सकते हो. अब इसमें फाइनली और एक चीज पूछ सकते हैं, क्या क्या. एंगुलर सर. हाँ और एक एंगुलर, करेक्ट. तो एंगुलर इसके तीन तीन नाम है. और फाइनली दे कैन आस्क यू बॉन्ड एंगल. और याद रखो इसके लिए तुम लोगों को बॉन्ड एंगल की वैल्यू बाय हार्ट रखनी है. अब याद रखना टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये तुम लोगों को बाय हार्ट होगा. बट यहाँ पर होगा क्या, वैलेंस शेल के जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक दूसरे का रिपेल करेंगे. अब इनके बीच में जब रिपल्शन होगा तो मुझे पता ये बॉन्ड्स को भी रिपेल करेंगे. ऊपर लोन पेयर है और वो बॉन्ड को रिपेल करने वाले, तो बॉन्ड का एंगल क्या होगा, कम होगा और लेस देन 109 होगा. परफेक्ट. अब वाटर ये बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, तो ये तुम लोगों को इसका बॉन्ड एंगल याद रखना है. ये लोन पेयर से नीचे के बॉन्ड्स को छोटा कर देंगे एंड बॉन्ड एंगल छोटा होके हो जाता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ठीक है. तो ये रैबिट जैसा तुम लोगों को दिख रहा होगा कुछ अजीबो गरीब स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इसका बॉन्ड एंगल सॉरी मैंने वाटर का नहीं मीथेन का लिख दिया, 104 डिग्रीज 5 मिनट, ठीक है. तो इसका बॉन्ड एंगल चेंज होके हो जाता है 104 डिग्रीज 5 मिनट, ठीक है. तो ये तुम लोगों को बाय हार्ट रखना है. सिमिलरली अमोनिया का बॉन्ड एंगल मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को लिख के दिया था 107 डिग्रीज रहता है, ठीक है. तो ये दो बॉन्ड एंगल तुम लोगों को बाय हार्ट रखने हैं, बाकी तुम लोगों को कोई याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है. तो लिख लो ये, मतलब नहीं सॉरी ये होमवर्क में तुम लोगों को दिया था मैंने, तो शायद से तुम लोगों का हो गया होगा पहले से. अब हम लोगों को देखना है शॉर्टकट, क्या देखना है हम लोगों को शॉर्टकट, ठीक है. तो शॉर्टकट अब याद रखो शॉर्टकट में, अरे बॉन्ड एंगल मैंने तुम लोगों को टेबल में हर एक चीज का लिख के दिया था, याद करो. देखो टेट्राहेड्रल होगा तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है, तो टेट्राहेड्रल रहता है तो बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है. अगर तुम लोगों को समझ लो ट्रायंगुलर प्लेनर दिया, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है. ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब ये ट्रायंगल जैसा दिखता है, तो तुम लोग ज्योमेट्री के सिंपल रूल्स यूज करके भी कर सकते हो. एक सर्कल को तीन में डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है. तो ये तुम लोगों को सिंपल ज्योमेट्री के रूल्स यूज करके भी आंसर आ जाएंगे. अगर समझो तुम लोगों को बाय पिरामिडल दे दिया, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक सर्कल को तुम लोगों ने तीन में डिवाइड कर दिया तो ये 120 का बॉन्ड एंगल हो गया, और ऊपर से ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तो ये 90 डिग्रीज हो गया. तो तुम लोग कॉमन सेंस यूज करके भी नहीं निकाल सकते हो, नहीं जम रहा है पहले स्टार्टिंग में, अभी तुम लोगों को वो इतनी इमेजिनेशन नहीं हो रही है, तो तुम लोग वो पूरा टेबल बाय हार्ट कर सकते हो. एंड ये जो कम हुए बॉन्ड एंगल्स है, मतलब ये चेंज इन बॉन्ड एंगल जो आता है, वो तुम लोगों को सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के लिए अभी के लिए याद रखना है, अमोनिया और दूसरा एक वाटर है, ठीक है. हर एक मॉलिक्यूल के लिए तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वही बाय हार्ट करनी है, ओके. तो अब शॉर्टकट की तरफ जाते हैं. अब याद रखना शॉर्टकट में सबसे इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर. हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, स्टेरिक नंबर. एंड स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. ये तुम लोगों को फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है. अब फॉर्मूला सॉरी ये स्टेरिक नंबर की डेफिनेशन तुम लोगों को याद होगी. अब समझ लो तुम लोगों को कोई भी एक रैंडम मॉलिक्यूल दे दिया, हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज CH4, ठीक है. अब तुम लोगों को मीथेन का मॉलिक्यूल दिया, अब मीथेन के बारे में तुम लोगों को सारी चीजें पता है, बट फिर भी ऐसे अज्यूम कर रहे थे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है. बट तुम लोगों को मीथेन में कार्बन के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता है ना. मुझे बताओ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, आउटरमोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं कार्बन के पास. माइक ऑन करके बोल सकते हो, मैसेज करके बोल सकते हो, चार रहते हैं, करेक्ट अपूर्वा आयुष. तो कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं. अब इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है और चार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, ये फोर्थ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे टोटल चार चीजें मिली तुम लोगों को, चार बॉन्ड मिले.
चार बॉन्ड मिले मतलब स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर आ गई चार, तो इसमें तुम लोगों को बॉन्ड पेयर मिल गई चार, लोन पेयर कुछ दिख रही है क्या? तो लोन पेयर नहीं दिख रही है, तो लोन पेयर हो गई जीरो। जीरो। स्टेरिक नंबर चार और बॉन्ड पेयर जब फोर रहता है, तो तुम लोगों को याद होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, परफेक्ट sp3। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे तुम लोगों को अगर ज्योमेट्री पूछी तो ज्योमेट्री क्या बोलोगे, तो ज्योमेट्री तुम लोग बोलोगे टेट्राहेड्रल। एंड शेप, अब याद रखना लोन पेयर का नंबर जब जीरो रहता है मतलब स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तब ये टेट्राहेड्रल ही रहता है, मतलब शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रहती है। करेक्ट बोल रहे हो श्रावणी? ओके तो लिख दो ये, और एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक लोन पेयर वाला एग्जांपल लेने वाले हम लोग कि लोन पेयर कैसे हम लोगों को पता चलेगी इस शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, तो अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, बहुतों को ये शॉर्टकट डायरेक्ट समझ में आ भी गया रहेगा, बहुत सिंपल शॉर्टकट एक्चुअली। तो मुझे बताओ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, पांच रहते हैं। करेक्ट बोल रहे हो सोहम, तो पांच इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पांच में से तीन हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन एक, हाँ एक लोन पेयर बची, दो इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर बची, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को अगर स्टेरिक नंबर पूछा तो याद रखना स्टेरिक नंबर इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आएगा चार। इसमें बॉन्ड कितने बने, तो बॉन्ड पेयर बने तीन, नहीं 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 एक दो तीन, तीन बॉन्ड याद रखो ये बॉन्ड है, और लोन पेयर कितनी आएंगी, तो लोन पेयर आएंगी एक। समझा मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर चार रहता है तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोगों को चार चीजें अकोमोडेट करनी है, तो चार चीजें अकोमोडेट करनी है तो पहले एक एस ऑर्बिटल यूज करोगे और फिर तीन पी ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो ये हो गया sp3। अब sp3 में ज्योमेट्री तो एक ही रहने वाली है हमेशा, sp3 की ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे शेप मुझे बताओ, जब तीन लोन पेयर रहती है और एक बॉन्ड पेयर रहती है, शेप क्या था? टेबल ओपन करके रखना चाहिए, तो पीछे पीछे देख सकते हो ना, ना ना ऐसे टाइम पे पिरामिडल शेप रहता है। कौन सा शेप रहता है? पिरामिडल। तो इसका शेप वापस एक बार ड्रॉ कर लेना, ये नाइट्रोजन, इसके नीचे ऐसे तीन हाइड्रोजन है और ऐसे ऊपर मस्त में एक लोन पेयर है, तो अभी ऑब्वियस है हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करने वाले। तो अगर तुम लोग इनको ऐसे ज्वाइंट करोगे, देखो अगर सिर्फ तुम लोग हाइड्रोजन को एक दूसरे को कनेक्ट करोगे तो दिस शेप विल लुक लाइक अ पिरामिड, दिख रहा है ये पिरामिड जैसा, सॉरी। ठीक है, तो दिस शेप इज लुकिंग लाइक अ पिरामिड, हेंस दिस शेप इज पिरामिडल। तो अब वाटर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तुम लोगों को शॉर्टकट समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? इससे तुम लोगों को कोई भी मॉलिक्यूल देने दो, तुम लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। H2O, H2O में ऑक्सीजन आउटर मोस्ट वाला सेंट्रल आइटम है, तो H2O के ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आई गेस 6 आएंगे, परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6। अब दो हाइड्रोजन है तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। अब कितने लोन पेयर आए, दो लोन पेयर, दो। अब मुझे बताओ स्टेरिक नंबर कितना आएगा, बॉन्ड पेयर कितने लिखोगे एंड लोन पेयर कितने लिखेंगे, टू। अब ये तो अभी तुम लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछी तो क्या बोलोगे, चार स्टेरिक नंबर है तो हमेशा चार ऑर्बिटल्स लगेंगे, एक एस लगेगा और एक तीन पी के लगेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे शेप के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर ज्योमेट्री किसी ने पूछी तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। एंड शेप अगर पूछा तो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, मतलब यहाँ पे तुम लोग बोल दोगे परफेक्ट वी शेप। ठीक है, तो इसका वापस एक बार शेप ड्रॉ कर लो चाहिए, तो ओके ट्रिक सबको समझ में आ गई है क्या, हजम हो गई ट्रिक, PCl5। ठीक है, तो PCl5 का एक बार करते हैं, PCl5 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल बाहर रहना चाहिए, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो नाइट्रोजन में पांच तो फॉस्फोरस में भी पांच, करेक्ट बोल रहे हो। तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पांच पांच यहाँ पे आ गए। अब क्लोरीन हमेशा क्या बनाता है, तो क्लोरीन ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद
जहाँ पे टोटल तुम लोगों को स्टेरिक नंबर कितना दिख रहा है, तो स्टेरिक नंबर 5 दिख रहा है, तो हम करेक्ट बोला। बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, तो 0 दिख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछोगे, नाइस, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछोगे तो sp3d, परफेक्ट। अगर ज्योमेट्री तुम लोगों को याद होगी तो sp3d में तुम लोगों को ज्योमेट्री मिलती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एंड लास्ट में शेप, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का, सॉरी लोन पेयर का नंबर 0 होगा तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और ऐसे टाइम पे दोनों के दोनों सेम रहते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हम लोग शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। कोई तो मुझे मास्टर क्लास के अकाउंट पे मैसेजेस कर रहा है, तो वहां पे मेरा वीडियो ऑन है, तो आई कांट सी योर मैसेजेस। आप दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर नहीं, दूसरे अकाउंट पे मैसेज करो। ओके, तो अब जरा अलग एक कंपाउंड लेते हैं, फॉस्फोरस का ही एक कंपाउंड बट थोड़ा अलग वाला, ठीक है। तो समझ लो तुम लोगों को PCl3 दिया, तो PCl3 का देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड आएंगे, करेक्ट, और कितने लोन पेयर आएंगे, तो एक लोन पेयर आ गई, दिख रहा है ना सबको। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू, सॉरी स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू 4, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने मिले, तो 3, लोन पेयर कितने मिले, तो 1। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तुम लोगों को, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, 4 स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन रहता है, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 4 चीजें फिट हो गई, ठीक है, करेक्ट श्रावणी। और ज्योमेट्री अगर पूछेंगे, परफेक्ट, टेट्राहेड्रल। एंड शेप बताओ, शेप, तो इसका शेप परफेक्ट पिरामिडल रहता है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शेप कैसे देखेगा, ये फॉस्फोरस बीच में, फर्स्ट क्लोरीन आइटम, सेकंड क्लोरीन आइटम, थर्ड क्लोरीन आइटम, एंड ऊपर रहने वाली है एक मस्त वाली लोन पेयर, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करेंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। फास्ट नहीं हो रहा है ना किसी के लिए, आज हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स देखने वाले हैं, तो मैं ऐसे इसी स्पीड से जाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ ही लिखते जाना, ठीक है। ओके, तो हाँ, अगेन तुम लोगों को लिखते लिखते आंसर्स देने अगर नहीं जम रहा है, फील फ्री टू ओपन योर माइक्स, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग माइक्स को। तो POCl3, देखो एक ही टाइप के कितने अलग अलग कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है, थीके? तो POCl3, अब POCl3 के केस में मुझे बताओ यहाँ पे कैसे होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। अब क्लोरीन कितने आ रहे हैं, तो आई गेस क्लोरीन आ रहे हैं 3, तो क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये क्लोरीन के आ गए सिंगल बॉन्ड। बट ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, हाँ याद रखो ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा। मैंने क्या किया वो समझ में आ रहा है सबको, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। एंड फाइनली मुझे बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर टोटल 4 ही है, परफेक्ट बोल रहे हो सब। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर लिखते वक्त 4 ही लिखना, 1, 2, 3 और ये 4, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही में गए, ठीक है। बॉन्ड पेयर अगर पूछेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर अगर पूछेंगे तो 0 लोन पेयर, याद रखो डबल बॉन्ड को हम लोगों को एज अ 1 बॉन्ड कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, वापस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंड फाइनली शेप। लोन पेयर अगर 0 रहेंगी तो ऑब्वियस है शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को ड्रॉ करना होगा तो 3 क्लोरीन को ऐसे नीचे लग रखना, याद रखो अब मैं लोन पेयर हमेशा ऊपर दिखाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर है फिर ऑक्सीजन हमेशा ऊपर दिखना चाहिए, ये अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। तुम लोग लोन पेयर ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देने वाले, ठीक है, बट ये अच्छा दिखेगा क्या, तुम लोग इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, रॉन्ग नहीं है इसमें, ठीक है। लोन पेयर कहाँ पे भी जा सकती है, बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में देखना है कि क्या बोल रहा था मैं, सॉरी मैसेजेस रीड कर रहा था, हाँ तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं। लोन पेयर है तो किसी भी जगह पे आ सकती है, वैसे ये डबल बॉन्ड वो भी किसी भी जगह पे आ सकता है। किसी ने तो HNO3 के बारे में पूछा है, तो HNO3 का तो मैंने तुम लोगों को पहले से ही बता के रखा था, अरे अगर याद होगा आयनिक कंपाउंड में अगर जाओगे तो तभी मैंने तुम लोगों को बताया था, ये HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, H+ NO3-, तो अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे NO3- के ऊपर, ठीक है। तुम लोगों को NO3- का अगर पता चल गया तो बाकी सब इजी है। मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा लोगे तुम लोग,
सेंट्रल एटम यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम लोगों को एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, एंड फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर बना रहा है, हर एक ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे तुम लोगों को स्टेरिक नंबर मिल जाएगा 3, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, लोन पेयर हो जाएंगे 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे अभी? 1s और 2p, स्टेरिक नंबर 3 है इसलिए। अब इसमें ज्योमेट्री क्या रहती है? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, एकदम सिंपल। अब एक छोटी सी चीज, यहाँ पे तुम लोगों ने ये सारी चीजें निकाल दी, बट हमारा शॉर्टकट हम लोगों को हमेशा करेक्ट फॉर्मूला नहीं देता, याद रखो हमारा शॉर्टकट हमें हमेशा करेक्ट फॉर्मूला नहीं देता। तो यहाँ पे मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बट अगेन हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बट बाद में, ठीक है, जब मैं तुम लोगों को एक एक करके कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बट अभी के लिए तुम लोग इसका शेप ऐसा रहता है वो लिख के रखो, ठीक है। दिस इज एक्चुअल नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एक OH रहता है, एक O- रहता है, एक N+ रहता है और एक डबल बॉन्ड O रहता है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे बट जब हम लोग एक एक करके सारे कंपाउंड, हर एक ग्रुप के इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टडी करेंगे, अभी के लिए स्ट्रक्चर ऐसे ही लिख के रखो सिर्फ, ठीक है। एंड इसे तुम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हो, मुझे याद नहीं है हम लोगों ने किया है या नहीं, बट हम लोगों ने ऐसे टाइप के बहुत सारे कंपाउंड फॉस्फोरस के ये किया था ना हम लोगों ने, किया है, ओके। तो भाई हम लोगों ने इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किया था आई गेस, यप, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। तो चलो अभी थोड़े लोन पेयर वाले कंपाउंड एक्स्ट्रा के ले लेते हैं, तो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज फॉर SF4, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब सल्फर, सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बताओ? HNO3 का पार्ट अभी के लिए तुम लोग स्किप कर दो, ये हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाइज अरेंज किया है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में तुम लोगों को परफेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो एक तो तुम लोग इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो, या फिर अभी के लिए थोड़ा सा इसको साइड में रख दो, हम लोग वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। हम लोग एक एक कंपाउंड के ऊपर अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, मुझे ये शॉर्टकट से बहुत सारे कंपाउंड तुम लोगों के कवर कराने हैं, अभी के लिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर समझो तुम लोगों को SF4 पूछा, तो SF4 में सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फ्लोरीन 4 है और फ्लोरीन क्लोरीन के भाई में आता है, तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, ये आ गए 4 सिंगल बॉन्ड और एक बच गई लोन पेयर। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना लिखोगे? 5, परफेक्ट बोल रहे हो श्रावणी। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने आएंगी? तो 4 बॉन्ड पेयर आएंगी। लोन पेयर कितनी आएंगी? 1 लोन पेयर आएंगी, सॉरी 0 लिख रहा था गलती से। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट मीथ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग देखो 5 चीजें हैं, तो 5 चीजों के लिए 5 ऑर्बिटल, तो 1s, 3p ऑर्बिटल और 1d का ऑर्बिटल। ज्योमेट्री sp3d में रहती है, tbp कौन सी रहती है? तो ज्योमेट्री यहाँ पे रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, परफेक्ट। अब इसका शेप याद रखो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था टीबीपी में सीसा आता है, एंड टीबीपी में लोन पेयर हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं? इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? किसी को याद है इक्वेटोरियल पे लोन पेयर पुट करेंगे या एक्सियल पे? इसका शेप रहता है सीसॉ, ठीक है, एंड इक्वेटोरियल पे, करेक्ट बोल रहे हो प्रणवी। तो यहाँ पे याद रखना हम लोग लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं, मतलब क्या? तो ये सल्फर है, इसका शेप रहना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब सॉरी ज्योमेट्री रहनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब कैसे? तो ये 3 बॉन्ड ऐसे प्लेन में, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड ऐसे नीचे की तरफ। अब मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही पढ़ाया था यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड रहते हैं, एक वर्टिकल लाइन वाले जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और दूसरा रहता है इक्वेटोरियल बॉन्ड जो इस लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या,
इक्वेटोरियल बॉन्ड एक निकल जाएगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगी एक लोन पेयर. ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने का रीजन याद है ना, इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल बड़ा रहता है. बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल पे कितना रहता है, तो इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल रहता है 120 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्रीज रहने की वजह से रिपल्शन कम होगा. रिपल्शन कम होगा तो हम लोगों को वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा दिखेगी. ठीक है, और अभी बाकी के सारे तुम लोगों को सिर्फ फ्लोरिन अटैच करने हैं. एफ 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 खत्म हो गया, लिख दो ये. एंड इसका शेप सीसॉ रहता है, याद रखो ये सीसॉ जैसे दिख रहा होगा तुम लोगों को ऐसा कुछ. ठीक है, ये एफ ये एफ ये एफ ये एफ और बीच में ऐसे सल्फर. ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ सीसॉ, हेंस इट्स शेप इज सीसॉ. नाइन्थ SF6 ड्रॉ करो. अभी ये तुम लोग करो SF6. सेकेंड इज IF7. 11th इज IF5. ठीक है, तो ये चार चीजें तुम लोग खुद ड्रॉ करो जरा. चार नहीं, तीन चीजें ही दिए मैंने, तो ये तीन जरा खुद ड्रॉ करो. और हाँ, और एक दे देता हूँ, तो चार हो जाएंगी TLF3. ठीक है, इन्हें हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं. ये अगर देखोगे तो दो हेलोजन है इसके अंदर. ठीक है, तो इन्हें हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, जो हम लोग पी ब्लॉक में आराम से पढ़ेंगे. ठीक है, तो करो इनके चारों के आंसर निकालो. ओके, मैं धीरे धीरे इनको सॉल्व करते जा रहा हूँ. अगर तुम लोगों को किसी में भी डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, और तुम लोग मेरे तरफ देखो ही मत, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ. करेक्ट है सोम, तो याद रखना सारी चीजें लिखना. स्टेरिक नंबर पहले लिखो जो कि 6 आएगा, बॉन्ड पेयर लिखना और लोन पेयर लिखना. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन लिख देना, फिर sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो सिर्फ OH लिख सकते हो तुम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए. फिर शेप, और शेप के लिए भी लोन पेयर नहीं रहते, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम. ठीक है, ओके. अब आयोडीन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ तुम लोग खुद, मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ, तुम लोगों को जमना चाहिए. करेक्ट है सोम, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 7 स्टेरिक नंबर होगा, तो 7 ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल मतलब 1s 3p और 3d. ठीक है, इसमें ज्योमेट्री रहती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी हम लोगों ने सारी चीजें पहले से लिख के रखी थी. अब यहाँ पे शेप भी आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, SF6 की ज्योमेट्री एंड शेप रहती है ऑक्टाहेड्रल. तुम लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अभी हम लोगों ने पहले से ही लास्ट लेक्चर में बना के रखा था. करेक्ट है सोम, तो IF7. अब IF7 के केस में, सॉरी IF5 के केस में अगेन आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देना. बाद में हर एक फ्लोरिन को सिंगल बॉन्डेड दिखा देना, 5 फ्लोरिन है तो 5 सिंगल बॉन्ड आएंगे एंड एक लोन पेयर बच गई. ठीक है, तो अगेन स्टेरिक नंबर 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1. ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा sp3d2. करेक्ट है सोम, एंड ज्योमेट्री sp3d2 में रहती है ऑक्टाहेड्रल. एंड शेप, अब एक लोन पेयर है तो यहाँ पे शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, तो इसका शेप बना के रखना चाहिए. तो IF5 का आयोडीन ऐसे बीच में रहने वाला है, फर्स्ट फ्लोरिन, सेकेंड फ्लोरिन, थर्ड फ्लोरिन, फोर्थ फ्लोरिन, ऊपर और एक फ्लोरिन अटैच कर देना और नीचे एक मस्त में ऐसे लोन पेयर दिखा देना. ठीक है, तो ये IF5 का शेप है, जहां पे ये ऐसे अगर जॉइंट करोगे तो तुम लोगों को एक पिरामिड दिखेगा. दिख रहा है सबको पिरामिड? नहीं दिख रहा है तो इजिप्ट में जाके देखना अभी. ठीक है, तो
ये आई एफ फाइव है और फास्ट लास्ट में सी एल एफ थ्री हम लोगों को देखना है, तो सी एल एफ थ्री एक एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, तीन फ्लोरिन है। आई एफ सेवन की ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल अपूर्वा, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिखा था ना वो टेबल में पूरा, तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं पीबीपी, ठीक है, ओके। अब सी एल एफ थ्री के केस में तुम लोगों को तीन फ्लोरिन याद रखना है, तीन फ्लोरिन के सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं वो याद रखना, तो तीन फ्लोरिन के सिंगल बॉन्ड्स फर्स्ट लोन पेयर सेकंड लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर किसी ने पूछा तो तीन लोन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, मतलब पांच हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर अगर देखोगे तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तीन, लोन पेयर अगर देखोगे तो लोन पेयर हो जाएंगी दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो पांच स्टेरिक नंबर में हो जाता है sp3d थ्री डी, यहाँ पे ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब टीबीपी, एंड यहाँ पे अभी शेप ये इंग्लिश के टी लेटर जैसा दिखता है इसलिए दिस इज अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो लिख देना वो आगे। अब यहाँ पे भी इसका शेप ड्रॉ करना जरा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो ये क्लोरिन है, इसे दो लोन पेयर है और तीन फ्लोरिन आइटम है, तो तीन फ्लोरिन आइटम में पहले ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ एंड फिर यहाँ पे ऐसे दो लोन पेयर। तो अगर इसे देखोगे तो इट लुक्स लाइक टी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो इसलिए इसे टी शेप्ड बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लिख लो सारी चीजें कंप्लीट कर दो इन्हें। ओके, इसमें याद रखना एक छोटा सा कंसेप्ट भूलना मत कभी भी, ये लोन पेयर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे करेंगे रिपेल, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल के ऊपर भी आएगा लोड, तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे परफेक्ट पैरेलल रहना चाहिए था, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर रहना चाहिए था, वो थोड़ा ऐसे बेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसे टी शेप्ड और एल्स ऑल्सो कॉल्ड एज बेंट टी शेप, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री, उल्टा लिखा ना मैंने, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिकॉज वो लोन पेयर की वजह से रिपेल होकर ऐसे चेंज हो गया, ठीक है, ओके, एनी डाउट? तो और क्वेश्चंस लेते हैं, चलो क्वेश्चंस हम लोग करना बंद नहीं करने वाले। यस, ये जो स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ वो तुम लोग भी ड्रॉ कर लो, तुम लोगों के रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर्स याद रह जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। याद रखो जितने स्ट्रक्चर्स तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो उतने करना, अच्छी बात होगी, तुम लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और थोड़ा सा हाथ आज फास्ट चलाओ, हम लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कवर करने हैं, 12 हो गए ना, ओके। अब जरा चार्ज्ड वाले मॉलिक्यूल्स लेते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल मतलब क्या, तो समझ लो तुम लोगों को CH3+ दे दिया, ठीक है, तो CH3+ के केस में क्या करोगे तुम लोग, तुम लोगों को पता है कि हमारा जो CH3+ है उसके आउटरमोस्ट में रहते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट में रहते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स, तो चार इलेक्ट्रॉन्स, अब चार इलेक्ट्रॉन्स के बदले यहाँ पे हम लोग तीन ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, याद रखना। तेरा कौन बोल रहा है, क्या तेरा, या ओके, तो याद रखो कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट में यूजुअली चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग एक रिमूव कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है क्या ये, ओके डजंट मैटर, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे कार्बन तीन हाइड्रोजन को अटैच रहे तो तीन हाइड्रोजन अटैच कर देना, एंड यहाँ पे स्टेरिक नंबर अभी कितना हो जाएगा तो तीन हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितनी आएंगी तो तीन आएंगी, लोन पेयर कितनी आएंगी तो जीरो आएंगी। अब यहाँ पे ऐसे टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तीन के वजह से sp2, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे जो कि रहने वाले हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, तो लिख दो ये और फास्ट ही लिखना, अपने हाथ जरा फास्ट चलाना आज। तो ये कार्बन, इसे तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है और जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इन चीजों को हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो इसका। एंड नेक्स्ट इज 14th CH4-, सॉरी CH4- नहीं,
CH3-, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनायन। ट्राइंगुलर, अच्छा मैंने बायपिरामिडल लिखा है ना, सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, दिस शुड हैव बीन प्लेनर, वो फ्लो फ्लो में गलती से लिख दिया मैंने, ओके, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। थैंक यू मीत, विनीत, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, तो CH3- के केस में अभी तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, ऐड करोगे, तो अभी नेगेटिव चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का ऐड कर देना, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद तुम लोगों को पता है हम लोगों के हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड दिखा देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लोगों को अगर स्टेरिक नंबर पूछा तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5, बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएंगी, तो 5, लोन पेयर कितनी आ जाएंगी, सॉरी मैंने एक मिस्टेक की है, 3 ही हाइड्रोजन थे ना यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, और यहाँ पे अभी स्टेरिक नंबर कितना आएगा, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, बॉन्ड पेयर कितनी आएंगी, तो 3, और लोन पेयर कितनी आएंगी, तो 1 ही आएंगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है sp3, ठीक है, क्यों, क्योंकि चार चीजें है, स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री अगर तुम लोगों को पूछी तो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। शेप अगर पूछा तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के लिए शेप रहता है पिरामिडल, तो यहाँ पे शेप हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है। तो कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ एक लोन पेयर और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस कंपाउंड और मॉइटी इज कॉल्ड एज कार्बनायन, ठीक है, तो लिख लो ये जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो याद रखो चार्ज चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। कार्बोकटायन और कार्बोअनायन में दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट उनके ऊपर का चार्ज डिफरेंट है, उसकी वजह से इसके शेप में बहुत डिफरेंस आ गया है, ठीक है, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू, किसी को कुछ डाउट यहां तक, ओके, तो 15th, जरा और अच्छे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, पहले हम लोगों ने जो बहुत पहले से करके देखा आ रहा है NH4+ ले लेते हैं, NH4+ भी हम लोगों ने पहले से देखा है, ठीक है। तो NH4+ नाइट्रोजन के आउटम उसमें 5 इलेक्ट्रॉन के बदले अभी 4 ही लिखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तुम लोग यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स दिखाओगे, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर आ गया 4, बॉन्ड पेयर आ गई 4, लोन पेयर आ गए 0, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। अब हाइड्रोजन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, एंड यहाँ पे भी शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 0 है और बॉन्ड पेयर का नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे शेप अगर तुम लोगों को पूछा तो नाइट्रोजन इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इन विच शेप, तो इन टेट्राहेड्रल शेप, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनियम, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम, ठीक है। तो चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना है इसे, क्वेश्चन नंबर 16, I3-, ठीक है, या फिर जरा अलग फॉर्म में क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on central atom in I3-, ठीक है, तो I3- के ऊपर तुम लोगों को लोन पेयर फाइंड आउट करनी है। जब चार्ज तुम लोगों को दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट द चार्जेस, तुम लोगों को पहले से चार्ज दिए रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन JEE में पूछा था, JEE मेंस में ये कभी पूछा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट JEE में पूछा था, ठीक है। तो करो इसका आंसर दिखाओ निकाल के, बहुत सिंपल है ये, शॉर्टकट से ही तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो करो। इसलिए मैं तुम लोगों को बॉन्ड पेयर लोन पेयर बार बार लिख के देते जा रहा हूँ, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोगों को लोन पेयर की नंबर देखने, मीत करेक्ट आंसर है, वाह नाइस इंप्रेस्ड, तो हम करेक्ट आंसर है, विनीत करेक्ट है, बाकी के लोग सोए हो क्या, टोटल 62 मतलब नहीं 61 है,
61 स्टूडेंट्स है, नए बहुतों के आंसर गलत भी जा रहे हैं अभी। रेस्ट स्टूडेंट्स नहीं, ना ना ना, सोहम करेक्ट है, सोहम राणी करेक्ट आंसर है। ओके तो चलो देखते हैं, इशिता आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका आंसर, वैसे तो अभी करेक्ट नहीं है, बट वो अगर आपने, मैं जो सोच रहा वो सोचा है तो अच्छी बात है, अच्छा सोचा है। ओके प्रणव करेक्ट आंसर है, चलो अभी आंसर देखते हैं। अब याद रखना यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, आयुष करेक्ट आंसर है, आयोडीन खुद दो आयोडीन को अटैच्ड है, ये ऐसा सीन है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में तुम लोगों को आयोडीन को कितने आयोडीन अटैच्ड है वो समझ में नहीं आ रहे, तो आयोडीन खुद दो आयोडीन को अटैच्ड है ये मत भूलना। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट नेगेटिव चार्ज का और एक इलेक्ट्रॉन तुम लोग ऐड करोगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, फर्स्ट आयोडीन आया, सेकंड आयोडीन आया, फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, ठीक है। तो जयेश करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को स्टेरिक नंबर पूछा तो स्टेरिक नंबर कितने आए, 5 आए, बॉन्ड पेयर कितने आए तो बॉन्ड पेयर आए 2, लोन पेयर कितने आए तो लोन पेयर आए 3, ठीक है। अब इसका अगर तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा रहने वाली है sp3d, ज्योमेट्री अगर पूछा तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3d में रहती है, tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर शेप पूछते तो तुम लोग बोलते लीनियर, क्यों, क्योंकि tbp में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पर रहती है, ये कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक रहती है, हम लोग ऊपर नीचे लोन पेयर ऐड कर देते हैं, तो ऐसे मत करना। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये आयोडीन, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर आ गई, ठीक है, ऊपर की तरफ एक आयोडीन, नीचे की तरफ एक आयोडीन, वैसे हो गया ये लीनियर इन शेप, ठीक है। तो याद रखो हम लोगों के एक सिंगल आयोडीन को ही दो आयोडीन अटैच्ड है, तो एक आयोडीन बीच वाला, मैंने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन लिखे, तो बीच वाले आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, बट नेगेटिव चार्ज का एक और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो आयोडीन इसको अटैच थे बीच वाले को, 3 लोन पेयर आ गई, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 5 हो गया, स्टेरिक नंबर 5 रहते तो हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3d, ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप रहता है लीनियर। क्यों लीनियर रहता है, बिकॉज लोन पेयर इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है। तो किसी को अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, जेई मेंस में, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन i3-, ठीक है, इधर ऑप्शंस दिए थे 3, D6, D8, sorry, D9, C8, C8 and D is 9, बताओ A, B, C, D, जल्दी जल्दी मैसेज करो, अभी तो ऑप्शंस है, तुम लोग फेक दो एटलीस्ट। जयेश करेक्ट आंसर है, रॉन्ग है, आपके सबके आंसर रॉन्ग है। अब याद रखो अगर सेम आंसर, सेम क्वेश्चन पूछते, मैंने बोला सेम मॉलिक्यूल है, सोहम करेक्ट आंसर है, मैंने सेम मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया था बोला है, मैंने सेम क्वेश्चन आया था ऐसा नहीं बोला है। आयुष करेक्ट आंसर है, अगर सेम क्वेश्चन रहता तो मैं ऐसे ही लिख के देता ना कि यही एक सेम क्वेश्चन दो बार आया है, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है सिर्फ। नई सावंत, ना ना, इशिता करेक्ट है। अब तो तुम लोगों को अभी पूछा क्या है, श्रावणी करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है, आ रहे अभी आंसर आ रहे, आदित्य करेक्ट आंसर है, तुम लोग ग्रुप पे मैसेज नहीं भेजते ना कि यार इसका आंसर ये है, फिर सबके आंसर करेक्ट आते हैं। प्रणव करेक्ट आंसर है। ओके तो देखते हैं, अब याद रखो यहाँ पे ऊपर की क्वेश्चन में चेंज क्या था, उन्होंने सेंट्रल आइटम पूछा था, ठीक है, ये पहले आया था, अभी ये रिसेंट में ही आया है, 2016-17 में ही आया था ये, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे, डिफरेंस समझ में आ रहा है, फर्स्ट उन्होंने सेंट्रल आइटम के ऊपर क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे, नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब टोटल नंबर। तो देखो
सेंट्रल एटम के ऊपर तो तीन लोन पेयर रहने ही वाले, एट द सेम टाइम हेलोजेंस के पास हमेशा तीन लोन पेयर रहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने टोटल लोन पेयर पूछे, मतलब सेंट्रल प्लस सराउंडिंग के टोटल लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर रहते हैं 9। मैंने क्या लिख के दिया वो समझा सबको, तो इसका ऑप्शन था डी, करेक्ट ऑप्शन वॉज डी। ठीक है, तो बहुत जन ने करेक्ट आंसर भेजा है, ठीक है, कैसे भेजा मुझे पता नहीं, वो ग्रुप वाली मेरी थियरी करेक्ट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता, बट स्टिल सबके आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट थे, कॉन्ग्रेट्स, नाइस थिंग। ओके, तो चलो अभी क्वेश्चन स्किप करके 16th क्वेश्चन इसके ऊपर जाते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल नंबर 16 इज I3+। देखो एक पॉजिटिव चार्ज चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल का शेप, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री हर एक चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आयोडीन, आयोडीन के आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बट पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अभी तुम लोग सिर्फ 6 बनाओगे। अब ये भी I3 है, मतलब दो आयोडीन अटैच्ड है और दो लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर आएगा 4, बॉन्ड पेयर आएंगी 2, लोन पेयर आएंगी 2। अब यहाँ पे तुम लोगों को अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है SP3, ज्योमेट्री रहने वाली है टेट्रा हेड्रल, शेप रहने वाला है वी शेप्ड। ठीक है, तो बीच में ऐसे आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये नीचे एक आयोडीन, ये उसके नीचे और एक आयोडीन, ऊपर एक लोन पेयर और इधर एक लोन पेयर, खत्म। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? SO2, SO3, SO4-, करो सॉल्व करो इसे। मुझे हर एक के बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन से भेजना, मतलब तुम लोग मैसेज करना डायरेक्ट, स्टार्ट करना 17 डायरेक्ट, फिर हाइब्रिडाइजेशन पहले लिखना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इतना है, सॉरी इसका बॉन्ड, इसकी बॉन्ड पेयर इतनी है, लोन पेयर इतनी है, स्टेरिक नंबर इतनी है, मतलब जिस सिक्वेंस में मैं लिखता हूँ हमेशा, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन इतना है, ज्योमेट्री ये है और शेप ये है। ठीक है, तुम लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि समझ लो I3+ के लिए क्वेश्चन मैंने पूछा रहेगा, तो तुम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 4 2 2, उसके बाद मतलब 17 का, ठीक है 17 का 4 2 2, फिर उसके बाद समझ लो SP3 रहेगा, तो SP3 टेट्राहेड्रल एंड वी शेप, इतना भी तुम लोग लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक का मैसेज कर देना जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं तुम लोगों को, सॉल्व करो और आंसर भेजो। जयेश करेक्ट आंसर है फर्स्ट का। ठीक तो हम करेक्ट हैं। प्रथमेश देसाई करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैसेजेस करते रहना। जयेश करेक्ट है, करेक्ट है सोम सावन, तो हम करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ओके, सबको जम रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी आएगा डिफिकल्ट जा रहे हैं थोड़ा बहुत। प्रथमेश करेक्ट आंसर है। ओके, तो मैं भी यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी मैसेजेस करते रहना, मैं बीच बीच में उनको ऑब्वियसली देखूंगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ये भूल गए और उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर भेजा है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ये मत भूलना। तो प्रथमेश करेक्ट है, तीनों आंसर्स आपके, एंड श्रावणी करेक्ट
करेक्ट बोल रहे हो। ज्योमेट्री यहाँ पे रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, एंड इसका शेप आने वाला है बेंट, क्योंकि दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर है, गलती हो गई मुझसे। ओके ना ना ना, एक ही लोन पेयर है, यहाँ पे मिस्टेक थी, वो राइटिंग मिस्टेक थी। हाँ तो इसका शेप कैसे लिखोगे, ये आ गया सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, खत्म। ठीक है, अब SO3 के लिए 1 2 3 4 5 6 ओ ओ डबल बॉन्ड, ओ ओ डबल बॉन्ड, ओ ओ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया एस्टेरिक नंबर, हो गया 3, बॉन्ड पेयर हो गई 3, लोन पेयर हो गई 0। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आएगा sp2, ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, एंड शेप भी हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अरे कोई ऐसा नहीं है ना जिसको ये अभी भी कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तुम लोगों को सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एंड ऑल पता रहने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड्स फॉरगेट हो रहे कर रहे हैं, ठीक है, याद रखो तुम लोग, सॉरी डबल बॉन्ड्स को भूल रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को एज अ सिंगल एंटिटी लेना, डबल बॉन्ड है मतलब एक ही बॉन्ड है, ऐसे कंसिडर करो, तो स्टेरिक नंबर 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सल्फर के आउटर मोस्ट के 6 और -2 चार्ज के और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड आ गए। बट मैंने तुम लोगों को बताया था सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, बताओ। यहाँ पे आएगा स्टेरिक नंबर 6, करेक्ट बोल रहे हो सोहम। तो सल्फर हमेशा 6 बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे अगर देखोगे मैंने 8 डबल बॉन्ड, मतलब 4 सिंगल डबल बॉन्ड बनाए, मतलब 8 बॉन्ड हो गए, तो 8 बॉन्ड सल्फर नहीं बना पाता, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट है, ये प्रॉपर थियोरी नहीं है, तो ये शॉर्टकट की लिमिटेशन है, याद रखो। शॉर्टकट हम लोगों को एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं देता, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को पता रहने चाहिए, मतलब मैंने तुम लोगों को ऑलमोस्ट सबके बताए हैं। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं इसमें, करेक्ट बोला आपने, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, एंड शेप भी रहेगा टेट्राहेड्रल, बट इसके ऊपर हम लोगों ने पहले से रिसर्च करके हो चुके हैं, इसका मॉलिक्यूल ऐसे कुछ दिखता है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और ओ माइनस। अगर तुम लोग को याद होगा इसके पहले मैं इसे जब ड्रॉ करता था तो आई गेस मैं ऐसे ड्रॉ करता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि तभी तुम लोगों को मैंने टेट्राहेड्रल एंड ऑल बताया ही नहीं था, बट अभी तुम लोगों को टेट्राहेड्रल पता है, तो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ है, एंड इसमें रेजोनेंस होता है, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस होता है और इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोगों ने निकाली थी, तो पहले वाली चीजें भी रिवाइज करते रहना, उसको ऐसे ही स्किप मत कर देना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए थे, ओके 19 हो गए ना, तो 20, यस सर, अजीब क्यों लग रहा है, ओके तो क्वेश्चन नंबर 20 इज CO3-2 एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज PO4-3, सॉरी यहाँ पे भी -3 आएगा, -3, ठीक है, तो PO3-3 और PO4-3, इनके भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, ठीक है, तो भूलना मत, हम लोगों ने सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए थे, अभी के लिए मैं तुम लोगों को सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ, मतलब शॉर्टकट वाइज कैसे मेथड है वो दिखा रहा हूँ। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 -3 चार्ज के, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 डबल बॉन्ड बना देना। 3 डबल बॉन्ड बनाने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा फॉस्फोरस के पास यहाँ पे एक लोन पेयर बच गई है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आएगा, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर सेम है SO3-2, परफेक्ट, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आएगा कितना आया, 4, ठीक है, बॉन्ड पेयर आएंगी 2, सॉरी 3, एंड लोन पेयर हो जाएंगी 1, ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग अभी निकाल पाओगे, sp3 है, शेप ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल और शेप रहेगा पिरामिडल, ठीक है, तो PO4-3 के लिए जाते हैं, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स
और माइनस थ्री चार्ज के तीन एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स, अब एक बॉन्ड दो बॉन्ड, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया स्टेरिक नंबर फोर। बॉन्ड पेयर फोर, लोन पेयर जीरो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब इसका भी शेप तुम लोगों को याद दिला देता हूं एक बार, p डबल बॉन्ड o, o माइनस o माइनस o माइनस, ठीक है, ये इसका शेप था। ओके, और कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 21 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज SOF4, 23 इज XTF2, हाँ ज़ेनॉन के कंपाउंड हम लोग बाद में लेते, पहले ये SOF4 बनाओ, और SOF4 के केस में ऑक्सीजन कहाँ पे रहता है वो मुझे बताओ, वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ पे रहेगी। ओके, बहुतों का आई गेस लिखना बाकी है, तो लिख लो पहले क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के आंसर्स लिख दो, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के आंसर लिख दो, 2021 का भी। देखो इसमें कंफ्यूज होने का पार्ट कुछ नहीं है, इतना याद रखो कि हम लोगों को हमारा शॉर्टकट सिर्फ ये इतनी चीजें करेक्ट बताता है, ठीक है, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट वो हमेशा परफेक्ट बताता है, और इसके बाद जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना वो करेक्ट भी हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा के जो रॉन्ग आने वाले स्ट्रक्चर्स है वो मैंने तुम लोगों को पहले से बताया था, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट SO4-2 का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये मैंने तुम लोगों को पहले से पढ़ा के रखा है, PO4-3 का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये भी मैंने तुम लोगों को पहले से पढ़ा के रखा है। हम लोग और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स लेने वाले हैं जिनमें तुम लोगों को पहले से वो स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, तो यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ी से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, शॉर्टकट की कुछ लिमिटेशंस रहने ही वाली है बिकॉज, ठीक है। प्रथमेश करेक्ट बोल रहे हो, तो अब सिर्फ मुझे बताओ कि ऑक्सीजन की पोजिशन कहाँ पे आएगी, ऑक्सीजन की पोजिशन आपका आंसर करेक्ट है। देखो शॉर्टकट बहुत इजी है, और तुम लोग एंट्रेंस के जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी कि ये एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड SOF4, SOF4 का तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है, और SOF4 में ऑक्सीजन की पोजिशन कहाँ पे वो बतानी है, SOF4 सॉल्व करो। ओके, एंड व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ तुम, मैं ये जो कंपाउंड्स तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ PO4-3 SO4-2 एंड ऑल, तो इनके स्ट्रक्चर्स है ना वो तुम लोग वापस ब्लॉक्स में पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे हम लोग वापस ये सारी चीजें पढ़ने ही वाले हैं, और तभी तुम लोगों को वापस एक रिविजन हो जाएगी। बट तुम लोगों का काम क्या है कि अभी जितने हो सके उतने स्ट्रक्चर पहले से कर लो, इनऑर्गेनिक में जितने भी सारे कंपाउंड्स है वो सारे मैं कराने की प्लान कर रहा हूँ, बट तुम लोगों को वो याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, ठीक है। बट हाँ, ये एक ही जगह पे तुम लोगों के पास रहेंगे, एक ही नोटबुक में तुम लोगों के पास सारे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग चैप्टर में तुम लोग अलग अलग नए नए कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम लोग सारे यहाँ पे ही देखने वाले हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग थोड़ा फास्ट चार्ज चलाओ, एंड पूरे टाइम पे सावधान रहो, सतर्क रहो, सब कुछ अच्छे से ग्रास्प करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, SO4 के केस में वन ऑक्सीजन विल बी अटैच टू सल्फर, हाँ इशिता करेक्ट आंसर बोला आपने, एंड बाकी हाँ विनीत ने भी करेक्ट आंसर भेजा है, मुझे पोजीशन चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कौन से पोजीशन पे अटैच थे वो देखना है आपको, ठीक है। तो सल्फर, सल्फर के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सल्फर के आउटम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एस को अटैच नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए आंसर, एस को तो अटैच रहने ही वाला है, वो कॉमन सेंस की बात है। पोजीशन तो हाँ, समीक्षा करेक्ट आंसर बोला आपने, तो यहाँ पे तुम लोगों को स्टेरिक नंबर मिलेगा 5, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स मिलेंगे 5, लोन पेयर रहेंगे 0। अब
इसके केस में तुम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है पांच स्टेरिक नंबर, मतलब sp3d, पांच ऑर्बिटल्स लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को ज्योमेट्री आएगी tbp, एंड तुम लोगों को पता है जब लोन पेयर जीरो रहता है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहते हैं, मतलब ये भी हो गया tbp। अब tbp में दो पोजिशन रहती है, मैं इसलिए बार बार पोजिशन बोल रहा था, एक एक्सियल रहती है और एक दूसरी इक्वेटोरियल रहती है। तो तुम लोग डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को कहाँ पे पुट करोगे, एक्सियल पे पुट करोगे या इक्वेटोरियल पे? याद रखो तुम लोगों को ये कंपाउंड देके, तुम लोगों का ऐसे दो, आयुष करेक्ट बोल रहे हो, ऐसे दो स्ट्रक्चर दे सकते हैं वो, ठीक है। वो तुम लोगों को ये एक्चुअल में ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे सकते हैं, और अभी तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गई है तो दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, एंड दे विल आस्क यू विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, बताओ, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, पूछना मत विच वन इज ए एंड विच वन इज बी। फर्स्ट वाला हमेशा ए रहता है, सेकंड वाला हमेशा बी रहता है। तो उम्मीद करेक्ट बोला, सबने करेक्ट बोला है, कुछ लोग है जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखो ये चाहिए तो मैं वापस उन लोगों को लिख के दे देता हूँ, एंड नोट इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है, ओके। अभी रेडी रहना, और बहुत सारे कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 23rd ही है ना, 22 हो गए, ओके। तो 23rd इज XCF2, 24 इज, मैं इनको बाजू बाजू में लिखते जा रहा, मतलब एक के नीचे एक लिखते जा रहा हूँ, XCF4। 25th इज XCF6, 26 इज XCO4, 27 इज XCO3, 28 इज XCOF2, 29 इज XCOF4, सॉरी XCOF4 मत, XCOF2 मत लिखना, XCOF4। 29 इज XCO2F2, और कुछ बचा क्या? ठीक है, ये ज़ेनॉन के कंपाउंड्स है। ज़ेनॉन ये नोबल गैस रह के भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, और इनमें से ये कुछ एग्जांपल्स है, तो करो। एंड हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल मत करना, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, तो इसे मत करना, ठीक है। 25 वाला मत करना, ये एक्सेप्शन है, तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद ही रखना है जो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इसके नीचे वाले सारे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, इसमें और दूसरा कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कर लो, देखते कौन कौन कर पाता है। जस्ट अगर तुम लोगों से हो गया तो मुझे हो गया, मतलब डन करके मैसेज सेंड कर देना, एटलीस्ट मुझे समझ में आना चाहिए। वॉट इज MB, मल्टीपल बॉन्ड, ओके। MB का फुल फॉर्म रहता है मल्टीपल बॉन्ड, याद रखो, मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तुम लोगों को अभी मुझे आंसर भेजने की जरूरत नहीं, अगर भेजोगे टाइम है तो डेफिनेटली आई विल चेक। मीत करेक्ट आंसर है, बस तुम लोगों को आ रहा है इतना मुझे समझ में आया, और कुछ नहीं। पढ़ने में कुछ तो मिस्टेक किया आपने। ज़ेनॉन इज अ नोबल गैस, नोबल गैसेस के आउटम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेना सिर्फ। जयेश करेक्ट आंसर है,
अच्छा प्रणवी, आपने सेकंड के लिए भेजा है? नहीं, सेकंड के लिए नहीं, आपने फर्स्ट के लिए भेजा था। ओके जस्ट, करेक्ट आंसर है दोनों। ओके हाँ, तो अगर आपने सेकंड के लिए भेजा है तो वो करेक्ट है, 24 के लिए वो करेक्ट है। ओम 26 का आंसर करेक्ट है, 25 कोई सॉल्व नहीं करेगा। ओके इशिता, करेक्ट आंसर है आपका। नाइस जॉब प्रथमेश। करेक्ट है स्वाम। ओके तो ओम, आपका 25th का बाकी सब, मतलब 25th की बाकी सारी चीजें करेक्ट है, बस उसका शेप जो है वो चेंज होने वाला है। इट इज नॉट पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो वहां पे एक एक्सेप्शन है सिर्फ। तो चलो देखते हैं अब XAF2। अगर तुम लोगों को XAF2 के बारे में किसी ने पूछा तो XAF2 में तुम लोगों को स्टेरिक नंबर आया होगा 5, बॉन्ड पेयर्स आई होंगी 2 और लोन पेयर्स आई होंगी 3। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा तो वो हो जाएगा sp3d। यहाँ पे अगर तुम लोगों को ज्योमेट्री पूछी तो हो जाएगी tbp, एंड अगर शेप पूछा तो वो हो जाएगा लीनियर। ठीक है, तो XCF2 और यहाँ पे रहने वाले हैं 3 लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगर तुम लोगों को XCF4 के बारे में किसी ने पूछा तो XCF4 में तुम लोगों को स्टेरिक नंबर मिलेगा 6, बॉन्ड पेयर्स मिलेंगी 4, लोन पेयर मिलेंगे 2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। किसी को भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो मैं उसका शॉर्टकट वाइज मतलब आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d2, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, एंड शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, नॉट पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ज़ेनॉन बीच में, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। अब याद रखना लोन पेयर अपोजिट साइड पे रखते हैं सो दैट रिपल्शन जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है, अब XCF4 के बाद हम लोगों को देखना है XCF6। ठीक है, तो XCF6 ये एक्सेप्शनल केस है तो ये लिख के रखो। अब XCF6 इज एन एक्सेप्शनल केस, एंड इसमें कैसे होता है तो स्टेरिक नंबर रहता है 7, बॉन्ड पेयर हो जाती है 6, लोन पेयर हो जाती है 1। इसमें तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d3, ज्योमेट्री मिलती है ऑक्टाहेड्रल, शेप मिलता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ज़ेनॉन ये एक्सेप्शनल केस है, लिख के रखो इसके बारे में। तुम लोगों को ऐसे 4 फ्लोरीन ऐसे प्लेन में मिलेंगे, एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर की तरफ और दूसरा फ्लोरीन ऐसे नीचे की तरफ,
और एक लोन पेयर ऐसे तुम लोग कहाँ से भी बाहर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग यहाँ से ही निकालो, तुम लोग कहाँ से भी ये बाहर निकाल सकते हो. एंड दिस इज अ इनएक्टिव लोन पेयर, दिस इज अ इनएक्टिव लोन पेयर मतलब क्या, तो डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती और ये इनएक्टिव रह जाती है, जिसकी वजह से इसका शेप ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल रहता है, बट बहुत सी बार इसका शेप हम लोगों को लिख के दिया जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये लोन पेयर आ गए ना तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो बहुत सी बार इसे हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट्स. ये एक ही था जो एक्सेप्शनल केस था, उसके बाद बोले तो एक्चुअल में इजी है, XCF4. ठीक है, तो चलो XCF4 कर देते हैं, एक्सी सॉरी XCO4 है. ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना था ये मत भूलना, तो तुम लोगों को स्टेरिक नंबर कितना आया, तो स्टेरिक नंबर आया होगा 4. ठीक है, बॉन्ड पेयर्स आई होंगी 4 डबल बॉन्ड्स, लोन पेयर 0. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, शेप आएगा टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो ज़ेनॉन सेंटर में, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, बाजू में डबल बॉन्ड ओ, आगे वाला डबल बॉन्ड ओ, पीछे वाला डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया टेट्राहेड्रल. ठीक है, अब XCO3, आई डोंट थिंक उसमें भी किसी को डाउट होगा, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट XCO F4 का एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ. ठीक है, तो XCO F4 डायरेक्ट करते पहले, अब XCO F4 में तुम लोगों को स्टेरिक नंबर कितना आया होगा, तो स्टेरिक नंबर तुम लोगों को मिला होगा 6. ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितनी आई होंगी, तो बॉन्ड पेयर आई होंगी 5, लोन पेयर कितनी आई होंगी, तो लोन पेयर आई होंगी 1. ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ये तो कॉमन चीज है सारी, ये होगा तुम लोगों को sp3d2, ज्योमेट्री यहाँ पे आएगी ऑक्टाहेड्रल, एंड शेप यहाँ पे आएगा स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो तुम लोगों को ऑक्सीजन और लोन पेयर की पोजीशन याद रखना, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन रहता है, तो इन दोनों को हमेशा अपोजिट साइड पे रखेंगे हम लोग. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन और लोन पेयर हमेशा अपोजिट साइड पे रखना, एंड फिर फ्लोरिन तुम लोगों को जहां चाहिए वैसे अरेंज करो. तो इसका शेप ऐसे भी आ सकता है, या फिर तुम लोग इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. याद रखना मैंने तुम लोगों को जैसे बताया, तुम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जिनमें एक ही बॉन्ड एंगल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो जिनमें एक ही बॉन्ड एंगल है उनमें अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो, बस तुम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि रिपल्शन वाले ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड पर है, रिपल्शन वाले ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड पर है, मतलब इवन दिस स्ट्रक्चर इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर, इवन दिस स्ट्रक्चर इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर. और अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तुमने और कुछ नहीं किया, मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर को ऐसे रोटेट कर दिया. ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऐसे फॉर्म आ गए, और कुछ नहीं, तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाँ बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट देखा जाए तो इतने भी नहीं है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ही बहुत सारे कवर कर लिए हैं, एंड अभी आगे भी बहुत कम ही बचे हैं. ठीक है, और हर एक का एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, ऐसे एक्सेप्शन मतलब प्रॉपर एक्सेप्शन बोल नहीं सकते, उनके एक्सप्लेनेशन है, तो डोंट वरी. एंड अभी से तुम लोग ये करके करते जाओ, क्या बोलते हैं, उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें तुम लोग लिखते जाओ कि एक्सेप्शन कौन सा कहाँ पे था क्या था. ठीक है, ओके, तो टोटली 29 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो राउंड फिगर करते हैं, एक लास्ट मॉलिक्यूल लेते हैं एंड देन विल टेक अ ब्रेक. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मतलब मॉलिक्यूल नंबर 30. ठीक है, मॉलिक्यूल नंबर 30 इज N3-, I3- जैसा N3-. This molecule is called as azide, ठीक है, तो azide molecule, and azide molecule के लिए तुम लोगों को सॉल्व करना है, करो जरा. नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन. अब नाइट्रोजन में भूलना मत, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे, नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा, बहुत तो ने मिस्टेक की, यहाँ पे TBP नहीं आएगा, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2, बॉन्ड पेयर हो जाएंगी 2, लोन पेयर हो जाएंगी 0, हाइब्रिडाइजेशन आएगा SP
शेप रहेगा लीनियर एंड ज्योमेट्री भी रहेगी लीनियर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा। नाइट्रोजन, याद रखो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाने में विश्वास रखते हैं, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है, क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो एक दूसरा नाइट्रोजन आता है और इसके पास आउटर मोस्ट में, याद रखना इसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, बट इसके पास पहले से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन रहता है। क्यों एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो इसके पास पहले से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन रहता है एंड अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है और N3 माइनस बनाना है, तो नाइट्रोजन एक क्या करेगा, वो अपनी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक खुद के पास रखेगा और एक एक सामने वाले के नाइट्रोजन को दे देगा और यहाँ पे बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब याद रखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आजकल हम लोग सिंपल बॉन्ड ही दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, इस नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट किए तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के पास पहले से एक ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन था, मतलब पहले से एक -1 चार्ज था एंड दूसरे नाइट्रोजन से इसने और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज। अब ओवरऑल +1 और -1 कंबाइन होके इस कंपाउंड के ऊपर, मतलब अजाइड के ऊपर रहता है एक -1 चार्ज। इस -1 चार्ज को इसके ऊपर ओवरऑल -1 आ जाता है, ठीक है, +1 -2 ओवरऑल हो गया -1। तो इस -1 को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसे अटैच करते हैं एक हाइड्रोजन, तो जैसे चाहिए तो लिख देना H+N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज एंड इस -2 चार्ज की वजह से ओवरऑल -1 चार्ज रहता है, तो -1 को बैलेंस करने के लिए H+ रहता है एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, समझा। ये अजाइड था, अजाइड के ऊपर -1 चार्ज रहता है तो -1 को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे, मतलब एक एसिड बन गया हाइड्राजोइक एसिड। तो 30 कंपाउंड हम लोगों ने अभी तक देख लिए। Now we'll take a 10 minutes of break. 12:30 को हम लोग continue करेंगे. Till then, bye bye. Enjoy your break.
ओके तो सो ब्रेक इज अबाउट टू ओवर गेट फिनिश्ड. ठीक है. नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ठीक है. इसके ऊपर अभी तुम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से. एंड नाउ विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की जरूरत क्यों पड़ी वो पहले देखते हैं. अब याद रखो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की जरूरत क्यों पड़ी रहेगी, क्योंकि हम लोगों की वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है, याद रखना वैलेंस बॉन्ड थियरी में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन और VSE पेयर 3 कंबाइन करके पढ़ी है. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में कुछ ना कुछ तो हम लोगों को लिमिटेशंस मिले ही रहेंगे. उसकी वजह से हम लोगों ने कहाँ पे शिफ्ट किया, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की तरफ शिफ्ट किया. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. ठीक है. व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज MOT. ठीक है. तो MOT इसकी हम लोगों को नीड क्यों गिरी या फिर जरूरत क्या थी वो एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो याद रखना हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले से पढ़ के रखे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कौन से, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे दैट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट लाया. किसका? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का. ठीक है. कि मॉलिक्यूल्स को भी एक अलग टाइप के ऑर्बिटल्स रहते हैं पहले से. तो अब मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स हम लोगों ने क्यों कंसिडर किए, क्योंकि हम लोगों को लिमिटेशंस मिली वैलेंस बॉन्ड थियरी में. तो लिख देते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशंस क्या थी. लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. ठीक है. अब वैलेंस बॉन्ड थियरी में सबसे पहला ये एक बड़ा सा लिमिटेशन था जो तुम लोगों को अभी अगेन तुम लोगों को नहीं समझेगा शायद से, या समझ भी सकता है, आई डोंट नो. ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक गैस. ठीक है. विच मीन्स इट शुड हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VBT. ठीक है. तो VBT ऑक्सीजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिखा नहीं पा रही थी. अगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने ऑक्सीजन कैसे बनाया था, तो ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐसे डबल बॉन्ड से बनाया है और जहां पे ये ऐसे चार लोन पेयर हम लोगों ने दिखाए थे. तो ये पेयर में अनपेड कहाँ पे है, तो ये एक बड़ा सा लिमिटेशन था वैलेंस बॉन्ड थियरी का, फर्स्ट लिमिटेशन. ठीक है. अब सेकेंड लिमिटेशन इज इट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मतलब क्या, तो समझ लो मैंने तुम लोगों को पूछा O2 है, O2 प्लस है, O2 प्लस 2 है, O2 माइनस 2 है और O2 माइनस है. ये पांच मॉलिक्यूल्स ही है, इनकी स्टेबिलिटी बताओ. विच वन इज मोस्ट स्टेबल. अभी तक मैंने तुम लोगों को जितना पढ़ाया है उसके ऊपर से तुम लोग मुझे बता पाओगे क्या इसमें से कौन सा स्टेबल है? तो तुम लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी ही पढ़ी है. ठीक है. तो यहाँ पे तुम लोग ये बता नहीं पाओगे कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल. एंड किसी ने तो आंसर भेजा है O2 माइनस 2, तो नो O2 माइनस 2 नहीं है, इसका आंसर आता है O2 प्लस 2. ठीक है. तो इसका आंसर अगर तुम लोगों को बॉन्ड एनर्जी पूछी, स्टेबिलिटी मतलब क्या, तो बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है O2 प्लस 2. ठीक है. तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है. तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था, O2 माइनस 2 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ये ऐसा नहीं होता, इसका आंसर O2 प्लस 2 आता है. ठीक है. तो ऐसा क्यों वो हम लोगों को देखना है. ओके. स्टार्टिंग से हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, हम लोगों ने जस्ट इतना ही पार्ट लिखा था, हेडिंग डाली है एंड अभी हम लोग लिमिटेशन देख रहे हैं. अब थर्ड पॉइंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन
फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर. फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, तो आधा बॉन्ड, आधा अधूरे बॉन्ड्स, ठीक है, आधे अधूरे बॉन्ड्स हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कौन से मॉलिक्यूल्स में, तो एनओ जैसे मॉलिक्यूल्स में. अब एनओ मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर जो है वो रहती है 2.5, ठीक है, तो 2.5 की बॉन्ड ऑर्डर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. बेंजीन की बॉन्ड ऑर्डर हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेंजीन में रेजोनेंस होता है जो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, रेजोनेंस हम लोगों को पता चलता है कि हाँ वहाँ पे पाई बॉन्ड है जो गोल गोल घूम रहे हैं, इस वजह से 1.5 है. बट एनओ जैसे मॉलिक्यूल, इनकी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बीबीटी का यूज करके. एंड फाइनली कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड. एंड इसमें कौन सा कंपाउंड आता है पता है तुम लोगों को, तो इसमें एक कंपाउंड आता है डाइबोरिन B2H6. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी B2H6 को एक्सप्लेन कर पाती है, बट B2H6 का एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस के बहुत दूर का है, ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में B2H6 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डायग्राम नहीं है, तो हम लोग उसे इग्नोर करने वाले. बट ये लिमिटेशन है, अब मुझे पता है तुम लोगों को ये बहुत सारे लिमिटेशन अभी बाउंसर जा रहे रहेंगे, बट जैसे ही हम लोग MOT पढ़ेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये लिख दो पूरी चीज, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है. तो पहले मेन पॉइंट्स लिखेंगे जो तुम लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड फिर हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे. ओके, मोस्टली वी विल कंडक्ट डाउट्स एंड डिफिकल्टी लेक्चर ऑन संडे, ठीक है. तो तुम लोगों को होमवर्क में या फिर और किसी भी चीज में जो कुछ डाउट्स रहेंगे निकाल के रखना, हम लोग संडे को एक डाउट्स एंड डिफिकल्टी का लेक्चर लेकर रख देंगे, बहुत टाइम हुआ हम लोगों का हुआ नहीं है ना. जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं ब्रेक के बाद डिस्कनेक्ट हो गए रहेंगे, तो याद रखो हम लोगों ने अभी तक कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, जस्ट हेडिंग डाली है और लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी देख रहे हैं, ठीक है. तो कंटिन्यू करें, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, एक लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, हम लोगों के नोट्स में ही ज्यादा टाइम जा रहा है नोट्स बनाने में, जरा फास्ट लिखो, हैंडराइटिंग खराब आएगी तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, हम लोगों को नोट्स क्या सजा के नहीं रखने, सिर्फ रीड करने के अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए, ठीक है. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर बाकी होगा तो. अब वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के मेन पॉइंट्स हम लोगों को देखने पड़ेंगे, पोस्टुलेट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है. तो मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT, ठीक है. तो MOT के मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो याद रखना MOT में हम लोगों को एक सिंपल रूल याद रखना है, 1+1 = 1+1. ये तुम लोगों के चैप्टर में नहीं है या फिर ये ऐसे कोई तुम लोगों के पोस्टुलेट्स में नहीं आता, ये मैंने बनाया हुआ, मतलब मेरे सर से सिखा हुआ एक शॉर्टकट है, ठीक है. तो 1+1 = 1+1 मतलब क्या, तो वेन टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तब जाके तुम लोगों को दो अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे. तुम लोगों को क्या याद रखना है, 1+1 = 1+1. वैसे ही अगर तुम लोगों को लिख के दिया किसी ने 3+3 = what, तो तुम लोग 6 बोलोगे क्या, नहीं. MOT के लिए तुम लोग बोलोगे 3+3 = 3+3, मतलब जब तीन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो तुम लोगों को तीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे. तो वैसे ही 3 और 3 मतलब 6 अगर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो तुम लोगों को 6 डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे. इट इज जस्ट ए ट्रिक, ठीक है. तो इस पे ज्यादा कुछ सोचना मत, ट्रिक्स के ऊपर हम लोगों को कुछ सोचना नहीं रहता, उनको सिर्फ पढ़ना रहता है, सीखना रहता है. तो दिस इज फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, AO स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड MO स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, लिख लो ये. अब हम लोग मेन पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं. तो पॉइंट नंबर 1, लाइक इन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमिलरली इन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन
मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट ऐसे बोला था, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट ऐसे हम लोग बोलने वाले हैं। अब पॉइंट नंबर टू, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज, इनके नाम कैसे रहते हैं, एस पी डी और एफ। सिमिलरली मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज सिग्मा पाई डेल्टा, और इसके बाद फाई भी आता है, बट हम लोग फाई और डेल्टा देखने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। हम मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इन सिलेबस, ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। पाई और ऑर्बिटल रहने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, हम लोग ये स्टडी में लाते भी नहीं है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर डायग्राम, इसलिए। डेल्टा बॉन्ड ठीक है, डेल्टा बॉन्ड कॉमन है, बट तुम लोगों के सिलेबस में वो भी नहीं आता। ओके, तो थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का 1+1 रूल इसके ऊपर ही बेस्ड ऑन है। टू अटोमिक ऑर्बिटल्स गिव्स टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दोनों सेम रहने वाले क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट नंबर फोर, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनके टाइप्स, तो इसको पॉइंट नंबर फोर में लिखते चाहिए तो टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऐसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एक रहता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक रहता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा रहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे BMO और एंटी बॉन्डिंग वाले को हम लोग बोलेंगे ABMO, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं LCAO कंसेप्ट। अब याद रखना, ये तुम लोगों को अभी सुनने में और दिखने में बहुत डिफिकल्ट एंड बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लगेंगे, बट हमारे सिलेबस में इसका सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ही पार्ट है, तो वो एक्चुअल में बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को थियरी में पूछ सकते हैं LCAO का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को और कुछ नहीं पढ़ना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन रहता क्या, लीनियर मतलब क्या, तो एक ही लाइन से आएंगे, एक ही एक्सिस पे से आएंगे और दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्चुअल वर्ड में ये बहुत डिफिकल्ट है जो हम लोगों को देखना नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से इस थियरी को पढ़ना है, जितना पार्ट है उतना सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ऑब्वियस है ये बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो आर मोर स्टेबल, हेंस हैव लेस एनर्जी, ऑब्वियस है जो चीज ज्यादा स्टेबल रहती है उसके अंदर एनर्जी कम हो जाती है। एंड ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर लेस स्टेबल, हेंस हैव हायर एनर्जी। किसी का तो माइक ऑन हो गया, प्लीज टर्न इट ऑफ। तो ये याद रखना, बॉन्डिंग ऑब्वियस है, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी लाएगा, और वो अगर स्टेबिलिटी लाएगा तो उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एंटी बॉन्डिंग वो अनस्टेबिलिटी लाएगा, एंटी ए उल्टा हो रहा है बॉन्डिंग का, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो क्या होगा, तो वो एनर्जी को बढ़ा देगा। सिक्स्थ पॉइंट, इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल
वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव आर एडेड, ऐसे लिखते आर एडेड और फिर ब्रैकेट में लिखना दैट इज दे हैव सेम साइन, और सेम साइन रहती है तो इन फेज रहता है या आउट ऑफ फेज रहता है, और दे आर, और दे आर इन फेज. तुम लोगों का भी आई गेस ये याद नहीं है सेम साइन वाला कंसेप्ट. तो ये बॉन्डिंग के लिए हो गया. एंड सेवेंथ वन, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सब्ट्रैक्टेड, दैट इज दे हैव अपोजिट साइन, दे हैव अपोजिट साइन और दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज. ओके, अब ये इन फेज और आउट ऑफ फेज वाला तुम लोगों को आई गेस कंसेप्ट याद नहीं है, जरा ये लिख दो. हाँ, वो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था अपोजिट साइन वाला, तो एक बार वापस वो ऐड याद दिला दूंगा मैं तुम लोगों को, डोंट वरी. ये वीबीटी में भी हम लोगों ने ये सेम पॉइंट से लिखे थे ऐसे वाले, तो लिख लो ये पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स वापस वो ड्रॉ कर लेंगे. और यहाँ पे तुम लोगों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाला पार्ट आने वाला है, बट डोंट वरी, जिनका हुआ नहीं है अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, हम लोग डेफिनेटली वो करेंगे. और आई गेस तुम लोगों का हुआ होगा, तुम लोगों के वेव फंक्शन एंड ऑल हो गए थे ना, वेव फंक्शन के ग्राफ्स एंड ऑल इतना हो गया था पढ़ा के सबका. ग्राफ्स ऑफ वेव फंक्शन, मतलब मैं जिनका हुआ नहीं है पढ़ा के, जो एब्सेंट थे या फिर जिनके लेक्चर बीच में रुक गए थे, उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं. तो तुम लोगों को वेव फंक्शन के ग्राफ, ये वेव फंक्शन की साइन साई या फिर साई स्क्वायर, इसके बारे में पता है क्या? साई स्क्वायर क्या होता है, साई क्या होता है? ओके, ठीक है, अभी के लिए जस्ट लिख के रखना, हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का देखेंगे कवर अप, तब हम लोग कर लेंगे ये सब पार्ट कवर, डोंट वरी. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. यप, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी, करेक्ट बोला आपने. ओके, तो अब व्हाट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, नई हेडिंग डालना. मेन पोस्टलेट्स खत्म हो गए. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर वन इज बी एम ओ एंड नंबर टू इज ए बी एम ओ. ठीक है, तो पहले हम लोग देखने वाले बी एम ओ के बारे में, जिनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बाकी है. तुम लोगों को कंसेप्चुअल पार्ट समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ एप्लीकेटिव पार्ट या फिर फॉर्मूला बेस्ड पार्ट, तो वो तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा नहीं समझेगा, जो इस चैप्टर में पूछा नहीं जाएगा. याद रखो यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऊपर हम लोग जो शॉर्टकट्स एंड ऑल यूज कर रहे थे या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो देख रहे थे, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं. जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, बट ये थियरी का पार्ट है और यू नेवर नो कि वो कब पूछ ले, इसलिए हम लोग करने वाले. ठीक है, अब बॉन्डिंग में क्या होगा, तो मैंने तुम लोगों को एक जमाने में कुछ तो पढ़ाया था. देखो, अगर समझो कि मुझे किसी को आवाज देना है, ठीक है, समझ लो मुझे ओम को आवाज देना है, तो ओम को आवाज दूंगा तो मेरी आवाज जो है वो ऐसे वेव फॉर्म में जाएगी. अब मुझे पता है कि साउंड वेव्स जो रहती है वो लॉन्जिट्यूडनल रहती है, ठीक है, ट्रांसवर्स नहीं रहती, बट स्टिल मैं इसे ट्रांसवर्स जैसे ही ड्रॉ करने वाला हूँ, अब अज्यूम करते हैं. ठीक है, तो ये मेरी वेव जा रही है, मेरी साउंड वेव ऐसे बाहर मैंने पास कर दी. ठीक है, अब मेरे ही डायरेक्शन में से और कोई एक ओम को आवाज दे रहा है, समझ लो मेरे ही डायरेक्शन में से और कोई मेरे साथ ओम को आवाज दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल समझ लो प्रथमेश आवाज दे रहा है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ मेरी और प्रथमेश की आवाज एक दूसरे को एनहांस करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी. हम लोग अगर एक ही डायरेक्शन में से आवाज दे रहे हैं तो हमारी आवाज एनहांस होगी या डिस्ट्रॉय होगी. तो ऑब्वियस है, हम लोग अगर एक ही डायरेक्शन में आवाज दे रहे तो ओम को इजिली आवाज जाएगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, तो ये एक दूसरे को अभी एनहांस करने वाली है, याद रखना.
यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इनफेज हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इनफेज हो गए, मतलब इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ इनफेज है, ऊपर वाले का भी प्लस इसके नीचे वाले के साथ नेगेटिव के साथ इनफेज है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफेज, और इनफेज की वजह से आवाज का या फिर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज थी, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके वजह से वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इंटेंसिटी बढ़ेगी, एंड इसके वजह से ओम को आवाज इजीली जाने वाली है, ठीक है। जब ये मैंने वीबीटी में भी पढ़ाया था, बट अगर तुम लोग भूल गए रहोगे तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वेव्स अपने आप ऐड हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं एबीएमओ के पास चले जाऊँ, हाँ अब याद रखना वेव को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेव फंक्शन नाम की एक चीज, ठीक है। तो एक वेव फंक्शन है ए का, मतलब मेरा है समझ लो, और ये वेव फंक्शन है बी का, मतलब किसी और का, प्रथमेश का है समझ लो। तो वैसे ही ए वेव फंक्शन रहने वाला किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, और बी वेव फंक्शन रहने वाला किसी और एटॉमिक ऑर्बिटल का। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इनफेज में आई तो हम लोग बोलेंगे कि मुझे मिला साई बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जहां पे डेंसिटी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, बढ़ गई। मैंने क्या बोला यहां तक तुम लोगों ने फॉलो किया? तो अगर तुम लोगों को पूछा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एटम्स का क्या होता है, या फिर ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये वेव के फंक्शंस है, ठीक है, तुम लोगों ने वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अगर हम लोगों को वेव फंक्शन का स्क्वायर किया, अगर हम लोगों ने वेव फंक्शन का किया स्क्वायर, तो हम लोगों को मिलती है प्रोबेबिलिटी। क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन का स्क्वायर किया तो मुझे मिलती है प्रोबेबिलिटी। अभी तुम लोगों को बाकी कुछ याद नहीं रखना है, तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मिलती है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी मिलती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी एंड ऑल वो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देख लेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये तुम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। अब अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी में भी ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा का आ गया, विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये सिर्फ प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम लोगों को एंट्रेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, बट अगर आ गया तो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम लोगों ने देख लिया ये पार्ट, ठीक है। अब ये था बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग में क्या बोला, दो वेव्स ऐड हो गई तो हम लोगों को साई ए प्लस साई बी मिलेगा, जो वेव फंक्शन रहता है। अब हम लोगों को नेक्स्ट एक प्रोबेबिलिटी रहती है जिसमें हम लोग सिर्फ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने का रीजन एंड ऑल वो सारा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देख लेंगे, बट स्क्वायर करने से हम लोगों को मिलती है प्रोबेबिलिटी। क्या मिलती है? तो प्रोबेबिलिटी। तो दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख देना चाहिए, तो ठीक है। तो दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। बाकी सारा पार्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देख लेंगे। अब सेकेंड पार्ट इज एबीएमओ, एबीएमओ में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एबीएमओ में क्या होता है वो एक बार देख लेते शॉर्ट में। अब तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी, मुझे डायग्राम बनाने की एक्चुअल में जरूरत नहीं लग रही है, बट फिर भी बना देते हैं, तुम लोगों की कॉपियां सुंदर बन जाएंगी, ठीक है। याद रखो नोट्स एकदम सुंदर बनाओ, ये मैं हर लेक्चर में बोलता रहूंगा, बट यप इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन में आवाज दे रहा हूँ और मेरे ही डायरेक्शन में से प्रथमेश एक गाड़ी लेके आया और हॉर्न बजाने लग गया, मेरे डायरेक्शन के अपोजिट में, सॉरी, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन से आवाज दे रहा हूँ और सामने से प्रथमेश आ रहा है गाड़ी में और हॉर्न बजाते हुए आ रहा है। तो अब मुझे बताओ ऐसे टाइम पे प्रथमेश की साउंड वेव और प्रथमेश मेरे अपोजिट साइड से आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रथमेश के गाड़ी के हॉर्न की साउंड वेव और मेरी आवाज, दोनों एक दूसरे को एनहांस करेंगे या एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे अभी ऐसे टाइम पे? ऑब्वियस ऐसे टाइम पे अभी ये डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो एक वेव दूसरी वेव को डिस्ट्रॉय करेगी, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के साइन क्या हो गए? तो इन दोनों के साइन हो गए अपोजिट, तो
अभी इन दोनों वेव्स का एडिशन हो रहा है क्या? तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों वेव्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब एक साई ए का ऑर्बिटल और एक साई बी का ऑर्बिटल अगर ये अपोजिट स्पिन वाले निकले या फिर ये अपोजिट ऑर्डर वाले निकले, अपोजिट साइन वाले निकले, तो तुम लोगों को ऐसे एक फ्लैट लाइन मिलेगी। अब हम लोग फ्लैट लाइन नहीं दिखाएंगे पूरी की पूरी, हम लोग एक छोटी सी वेव दिखाएंगे। मतलब क्या, तो वेव की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई, वेव की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा आवाज पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा, सिमिलरली प्रथमेश के कार का आवाज भी पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा, थोड़ा तो कुछ तो सुनाई देगा, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो दिस इज फॉर ए बी एम ओ, ठीक है। तो दिस इज द साई ऑफ ए बी एम ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो तुम लोगों को अगर पूछा कि साई ए बी एम ओ में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, साई ए और साई बी एक दूसरे को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे में से। और अगर तुम लोगों को इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी कि इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ऐसे टाइम पे हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी, मतलब टू ए बी, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और दिस इज द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इतना पार्ट रहता है डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का इतना कुछ पार्ट नहीं है। तुम लोगों को क्या करना था, तुम लोगों को सिर्फ वेव के वेव को वेव फंक्शन से कैसे डिनोट करते वो पता चलना चाहिए। मतलब साई इज द वेव फंक्शन एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो प्रॉब्लम मिलती है, खत्म। ए प्लस बी द होल स्क्वायर सबको यहाँ पे आता ही है, ठीक है। तो लिख लो, ये डायग्राम्स बना लो। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सॉरी। जितना तुम लोगों का बाकी है उतना ही मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो कंटिन्यू करें। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ्स बाकी है, अच्छा ओके ड्रॉ कर लो। एक मेरे लिए एक और एक ग्राफ ऐड कर देना, ठीक है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो साइज एंड वर्सेस रेडियस पकड़ लो, ठीक है। तो देखो, ये फर्स्ट एटम था, समझ लेते हैं, ये फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ है एंड ये सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली ये इतना सा ओवरलैप होना चाहिए, बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल की थियरी के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को एनहांस करेंगे और एक नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और इसमें तुम लोगों को ये ऐसे कुछ दिखेगा। तुम लोग क्या बोलोगे, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये वो टू साई ए साई बी वाला पार्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, ये जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों इन फेज है, समझा मैंने क्या बोला। एंड उसी बदले अगर ये दोनों आउट ऑफ फेज चले जाते तो एंटीबॉन्डिंग हो जाता, तो एंटीबॉन्डिंग के केस में तुम लोग कैसे बोलते हैं, ये है साई स्क्वायर, ये है रेडियस, ऊपर कलर कौन से यूज किए थे, ओके येलो। तो देखो, ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल और ये सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, बट अभी ये एक दूसरे को एनहांस नहीं करने वाले, उल्टा एक दूसरे को कम करने वाले। तो ये इधर और ये इधर, तो अगर देखोगे तो एक्चुअल में इसने पहले जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था उससे कम स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है।
तो दिस इज द एंटी बॉन्डिंग वाला थिंग, ठीक है? ओके, देखो येलो में जो मैंने तुम लोगों को बना के दिए थे, येलो वाले जो थे वो साई ए थे, मतलब हम लोगों ने वेव्स ही बनाई थी ना, तो साई ए और साई बी, ठीक है? तो ये साई ए और साई बी के ग्राफ्स थे, ठीक है? और अभी हम लोग एक ही डायरेक्शन में से आवाज अगर दे रहे हैं तो आवाज की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये इंक्रीज इन इंटेंसिटी है। ये हमारे थियोरी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जब स्क्वायर किया था तो ये 2AB वाला जो पार्ट था तो वो इंक्रीज होने वाला है, तो ये इंक्रीज होने वाला पार्ट मैंने बीच में बताया था, ठीक है? तो ग्रीन में जो मैंने बनाया है वो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो है साई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और एटॉमिक एटम्स जो पहले साई ए और साई बी के दो अलग अलग पार्ट थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। अब उसी बदले जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, ये बॉन्डिंग के लिए है, ठीक है, और ये सिर्फ एटम्स के लिए है, ठीक है? एंड फाइनली यहाँ पे ये साई ए है और ये भी साई बी है, ठीक है? बट अभी ये क्या हो रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्डिंग में इतनी एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने ड्रॉ की थी वो है ही नहीं, उल्टा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, और कम हो गई। तो ये डिनोट करेगा साई एबीएमओ को। देखो ये ड्रॉ कर लो, ऐसे मत करो रे कि तुम लोगों को अभी डाउट आ रहा है, तुम लोगों को पहले वाली चीज अच्छे से समझी थी इसलिए मैंने ये दूसरा और थोड़ा एक्स्ट्रा का पढ़ाया, और कुछ नहीं। ओके, अगेन ये सब थियोरी का पार्ट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, बट यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है? लिख लो, तुम लोगों को धीरे धीरे जब वापस वापस रीड करोगे ना तो अपने आप समझ में लग जाएगा। ओके, पक्का ना? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो चलो याद रखो, साई ए साई बी बॉन्डिंग में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, साई ए साई बी एंटी बॉन्डिंग में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है? तो ये जस्ट ग्राफ्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अभी। अरे आर मीन्स डिस्टेंस, नथिंग एल्स बट डिस्टेंस। देखो ये एक आइटम था, ये एक आइटम था, पहले ये बहुत दूर थे, अभी ये नजदीक आने लग गए तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लग गया, तो समझ लो ये तुम लोगों का रेफरेंस पॉइंट था। तो ये जीरो है तो ये आइटम कहाँ पे है, तो ये समझ लो 10 पे है, तो ये आइटम कहाँ पे रहेगा, तो ये आइटम समझ लो 2 पे रहेगा, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है तो समझ लो 4 पे हो रहा है, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है तो समझ लो 6 पे हो रहा है। तो ये तुम लोगों के रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, और कुछ नहीं, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस। हाँ दिस इज नॉट रेडियस है, तुम लोग बॉन्डिंग में इसको रेडियस बोलते हो ना, तो दिस इज डिस्टेंस, आर स्टैंड फॉर डिस्टेंस नॉट रेडियस। डेंसिटी पार्ट फॉर एंटी बॉन्डिंग इज ग्रीन वन, याद रखो, डेंसिटी पार्ट फॉर एंटी बॉन्डिंग इज दिस ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है? तो अगर तुम लोग देखोगे तो ये ग्रीन वाला पार्ट, इसकी डेंसिटी बहुत कम है येल्लो वाले पार्ट से, येल्लो वाले पार्ट की डेंसिटी देखो कितनी ज्यादा है और ग्रीन वाले की कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट डिस्ट्रॉय करने वाले, ठीक है? तो चलो इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करते रिसर्च, सिर्फ ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर लिखना बाकी होगा किसी का तो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को देखना है कंडीशन फॉर ओवरलैप, क्या देखना है, कंडीशन फॉर ओवरलैप, ठीक है? ओके, तो कंडीशंस फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं मतलब हम लोग दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं, मैंने तुम लोगों को पहले भी कभी ना कभी एग्जांपल दिया रहेगा, अगर हम लोगों को दो लोगों की शादी करनी है तो हम लोग ऐसे किसी को भी उठा के शादी कर लेंगे, करा देंगे क्या, कि कोई एक 6 फुट का है और कोई एक 3 फुट का है, ऐसे शादी होगी क्या? ऑब्वियस है, कोई एक लड़का 6 फुट का है और उसको 3 फुट की लड़की के साथ शादी करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई एक लड़की 5 6 फुट की और उसको कोई एक 3 फुट के लड़के के साथ शादी करा रहे हैं, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोग कभी भी जब ये सारी चीजें करते हैं, किसी की बॉन्डिंग बना बॉन्ड बनाते हैं या फिर किसी का ओवरलैप करते हैं, तो हम लोग उनकी एनर्जीज को देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO. ठीक है, ये सिर्फ तुम लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए है, यू नेवर नो कि कभी वो थियरी में कोई क्वेश्चन ऐड कर दे. ठीक है, तो LCAO मतलब क्या, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और हमारी MOT पूरी की पूरी LCAO के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर टू, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री. ठीक है, मस्ट हैव सेम सिमेट्री मतलब क्या, ये हम लोगों ने इसका मतलब तो पहले भी देखा है. अब मुझे बताओ, एक ये पी ऑर्बिटल है, समझ लो ये पी वाई है, और समझ लो ये पी जेड है. अब मुझे बताओ इन दोनों में ओवरलैप हो पाएगा क्या? नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन. करेक्ट और रॉन्ग? ऑब्वियस है ना, ये दोनों अलग अलग सिमेट्री वाले, तो ये कैसे ओवरलैप कर पाएंगे? इनके बीच में तो ओवरलैप कभी हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो अब उसी बदले अगर मैंने सेम ऑर्बिटल्स दिखा दिए, ये एक और ये एक, अब मुझे बताओ इनमें सेम ऑर्बिटल्स है तो इनमें ओवरलैप पॉसिबल है या नहीं है? ये माइनस प्लस प्लस माइनस. ठीक है, तो इनमें अभी ओवरलैप पॉसिबल होगा. अब सिर्फ मुझे बताओ ये बॉन्डिंग वाले बनेंगे या एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे, देखते हैं. ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं सिंपल से भी स्टार्ट कर सकता था, बट ये तुम लोगों को अगर समझ में आ गया तो बाकी और कुछ समझने जैसा इसमें है ही नहीं. तो मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों को बॉन्डिंग मिलेगा एंटी बॉन्डिंग. तो देखो ये ओवरलैप ऐसे नहीं होने वाले, ये ओवरलैप ऐसे नहीं होने वाले है, ये ओवरलैप ऐसे स्ट्रेट होने वाले हैं. ठीक है, बराबर है ना, ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे स्ट्रेट ओवरलैप करेंगे. तो मुझे बताओ ऐसे स्ट्रेट ओवरलैप करते वक्त तुम लोगों के कौन से साइन मिक्स होने वाले हैं? अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोगों को हिंट दे रहा भी हूँ, ये दोनों अगर स्ट्रेट ओवरलैप करेंगे तो तुम लोगों के प्लस साइन मिक्स होंगे ना. अरे ओके, एक मेन पॉइंट मत भूलना, 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होता. मतलब ये प्लस और प्लस इतना ही ओवरलैप करने वाले, ये प्लस प्लस माइनस के पास चला जाएगा, वैसे नहीं होता, 50% से कम ओवरलैप होता है. पहली वाली थियरीज डायरेक्ट ऐसे गटर में मत फेंक देना, उनको दिमाग में रख के आंसर दो. तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये पूरा इधर तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे 50% की लिमिट आ जाती है ना, तो प्लस और प्लस ही ओवरलैप कर पाएंगे, इतना मैक्सिमम ओवरलैप होता है, 50% से हमेशा कम. याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर प्लस और प्लस ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? तो अभी ये बन जाएगा बॉन्डिंग. ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? तो ये ऐसे, अब याद रखना हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या बनाया था, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी में ऐसे कुछ बनाया था. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी ओवरलैप दिखा रही थी, बट ये ओवरलैप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक नया ऑर्बिटल बन गया है. ठीक है, ये क्या बन गया? एक नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गया है, ये पूरा एक नया ऑर्बिटल है. ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट्स, ये दो ही कंडीशन है और कुछ नहीं है. तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, तो लिख देते हैं दिस इज अ सिग्मा पी बॉन्ड. ठीक है, दिस इज अ सिग्मा पी ऑर्बिटल. लिख लो, फिर हम लोग ऐसे टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स देखने वाले हैं जैसे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी में देखा था. आज हम लोग जितने हो सके उतने ओवरलैप्स कवर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट टाइम इस थियरी को कंप्लीट कर देंगे. MOT बहुत इजी थियरी है और इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ऐसे तुम लोग पकड़ के चली जाओ. ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम. ओके, और कितने लेक्चर्स अगर देखने जाएंगे ना, LCAO मतलब, अरे ऊपर मैंने लिखा था ना, LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और समझ लो मिनिमम चार लेक्चर्स, चार से पांच लेक्चर्स. तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हाँ, तो चार से पांच लेक्चर्स और लगेंगे, और एक्चुअल में ये चैप्टर तुम लोगों का अभी
एक लेक्चर, एक या दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक या दो लेक्चर्स में ये चैप्टर एक्चुअल खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद हम लोग सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स देखने वाले हैं, ठीक है, तो और चार पांच लेक्चर्स तो आराम से जाएंगे, ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं. ना नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा दो टाइप के रहते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने इनिशियली इसमें भी देखे थे. किसमें देखे थे? वीबीटी में, ठीक है. एक रहता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा रहने वाला है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है. तो इसके बाद विल स्टार्ट विद ब्लॉक्स ओनली, आई गेस विल स्टार्ट विद ब्लॉक्स और इल्स रेडॉक्स रिएक्शन. तुम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन भी एक पढ़ाना बाकी है ना, तो ब्लॉक्स या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों में से एक, मोस्टली तो रेडॉक्स ही स्टार्ट करेंगे. देखते हैं, अब पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट करने वाले हैं. तो नंबर वन सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में हम लोग देखेंगे तीन टाइप के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स. एक हम लोग देखने वाले हैं 1s और 1s का ओवरलैप, दूसरा हम लोग देखने वाले 2s और 2s का ओवरलैप, तीसरा हम लोग देखने वाले 2pz और 2pz का ओवरलैप, ठीक है, चलेगा. रेडॉक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे याद रखना p ऑर्बिटल ऐसे कुछ दिखता है, सबको पता है ना ये, जिनका एटलीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बाकी है उनको भी पता होगा. p ऑर्बिटल का शेप ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है. तो यहाँ पे टोटल तुम लोगों के तीन एक्सिस रहते हैं, ये y एक्सिस, अभी इसे हम लोग बोलने वाले z एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इसे हम लोग बोलेंगे x एक्सिस, ठीक है. तो एक्सिस के नाम याद रखना y, x और z एक्सिस, ठीक है. तो हमेशा याद रखो z एक्सिस को ही हम लोग हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं. प्रिंसिपल मतलब क्या? तो ये ऐसे प्लेन वाला, ठीक है, जो कि ओवरलैप करता है. कौन सा ओवरलैप? सिग्मा, ठीक है. तो दिस इज आर सिग्मा बॉन्ड, तो 2pz और 2pz, ओके. तो पहले हम लोग 1s 1s और 1s से स्टार्ट करते हैं. तो 1s और 1s का ओवरलैप, ठीक है. मैंने क्या बोला? तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए. अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तुम लोगों को कितने MO देंगे, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे? 1+1 विल गिव यू 1+1, बराबर, और दो देंगे. तो तुम लोगों को दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं, एंड उनके नाम देखो कैसे आएंगे. एक तुम लोगों को मिलेगा सिग्मा 1s, इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा तुम लोगों को मिलेगा सिग्मा 1s स्टार, जिसे हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, करेक्ट. तो एक मिलेगा सिग्मा 1s और दूसरा मिलेगा सिग्मा स्टार 1s. तो BMO और ABMO, अब इनके ड्रॉइंग्स एक बार बना लेते, ठीक है. तो इनके डायग्राम कैसे बनाओगे? तो देखो ये आ गया 1s फर्स्ट और ये आ गया सेकेंड 1s, ठीक है. अब इसके वजह से अगर समझो इन दोनों की एडिशन की, तो इन दोनों की एडिशन की, तो ये प्लस और ये प्लस, दोनों के दोनों ओवरलैप करके तुम लोगों को क्या देंगे? तुम लोगों को एक सिंगल MO देंगे. याद रखो हम लोगों ने VBT में इनके बीच में ओवरलैप ऐसे दिखाया था, भूलना मत, ये VBT का कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एंड इसका नाम तुम लोग कैसे दोगे? तो देखो ये 1s था, ये भी 1s था, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1s, ठीक है. तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब सिमिलरली ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, समझ लो, ठीक है. अब इन दोनों को जब तुम लोग ऐड करोगे, इन दोनों को जब तुम लोग ऐड करोगे, तो मुझे बताओ कैसे होगा? ये दोनों एक दूसरे को एनहांस करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे? तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो तुम लोगों को कैसे ज्योमेट्री मिलेगी या फिर कैसा शेप मिलेगा? ये ऐसा मिलेगा, मतलब ये एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल आउट कर दिए, थोड़ा इनका पार्ट पोर्शन कम हो गया, ठीक है. और यहाँ पे बीच में कुछ प्रेजेंट रहने वाला है क्या? तो यहाँ पे बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं रहने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट रहने वाले हैं, ठीक है. तो मुझे बताओ द रीजन इन स्पेस
where probability of finding an electron is zero is called as the region in space where probability of finding an electron is called as. ये मैंने dotted line जो बनाई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नोड बोलते हैं. परफेक्ट. ठीक है, तो याद रखना इसे हम लोग बोलेंगे नोड, इसे हम लोग बोलेंगे नोड. ओके, किसी ने तो मुझे ए वैक्यूम नहीं रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैंने बोला. ओके, तो किसी ने तो मुझे क्वेश्चन पूछा है वाई वन प्लस वन अनदर माइनस. तो ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पे एबीएमओ में प्लस माइनस के साथ कंबाइन हो रहा था. यार इन दोनों को जब तुम लोग ओवरलैप करोगे तो प्लस ऊपर और नीचे वाला माइनस दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो इसके वजह से एक प्लस दूसरा माइनस, तो इसे हम लोग नोड बोलेंगे. ओके, अब यहाँ पे इसका नाम कैसे आएगा वो देखते हैं. दिस इज 1s, एनर्जी तो ऑब्वियसली स्टेबल है ये. बॉन्डिंग वाला क्या होगा, ये हमेशा स्टेबल होगा. एंड एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होगा, तो ये हमेशा लेस स्टेबल होगा. एंड जो स्टेबल रहता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, तो यहाँ पे एनर्जी कम होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी. और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, जो हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में लिखा हुआ था. ठीक है, अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड 2s 2s. ठीक है, अब 2s 2s जब ओवरलैप करेंगे तो वापस ये तुम लोगों को दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये तुम लोगों को दो एमओ देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे, तो इनका नाम कैसे आएगा, सिग्मा 2s प्लस सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, तो दिस इज योर बीएमओ एंड दिस इज योर एबीएमओ. ठीक है, तो चलो इनकी भी डायग्राम सेम डायग्राम होने वाली है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो चलेगा क्या, दैट इट इज सेम एज अबव, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है, तो सिर्फ ऐसे लिख दो सेम एज अबव कि तुम लोगों को डायग्राम बना के चाहिए. आई गेस तुम लोगों को चल जाएगा, कोई कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे तो दिस हैज लेस एनर्जी, याद रखना इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. एंड इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ओके, अब हम लोग जाने वाले हैं 2pz और 2pz के ओवरलैप की तरफ. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स 2pz, थर्ड 2pz एंड 2pz के ओवरलैप की तरफ. ठीक है, अब 2pz और 2pz जब ओवरलैप करेंगे तो सेम जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है, जेड ऑर्बिटल हम लोगों को हमेशा सिग्मा बॉन्ड देता है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तुम लोगों को देंगे दो एमओ. ठीक है, तो यहाँ पे होगा सिग्मा 2pz प्लस सिग्मा स्टार 2pz. अभी पी ऑर्बिटल का शेप जरा डिफरेंट रहता है, तो हम लोग इसकी डायग्राम बना लेंगे. ठीक है, तो देखो मुझे बताना विच वन इज बॉन्डिंग विच वन इज एंटी बॉन्डिंग, जो मैंने तुम लोगों को पहले भी पूछ के हो चुका हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग मिस्ट्री नाउ बट स्टिल. ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, अब ये तुम लोगों को बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा या एंटी बॉन्डिंग देगा, बी और ए, तो ये हम लोगों को बीओ देगा. परफेक्ट बोला आपने, तो ऑब्वियसली ये हम लोगों को क्या देगा, बीओ देगा, क्योंकि दोनों सेम साइन वाले ओवरलैप करने वाले हैं. एंड ऑर्बिटल का शेप देखो ऐसे एक चॉकलेट जैसा दिखता है. ठीक है, तो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस. अब अगर तुम लोगों को पूछा हाउ मेनी नोड्स आर देयर, हाउ मेनी नोड्स आर देयर, कितने नोड्स है बताओ, यहाँ पे कितने नोड्स दिख रहे हैं तुम लोगों को. परफेक्ट, यहाँ पे हम लोगों को दो नोड्स दिखेंगे, दिख रहे हैं. याद रखो कुछ पी ऑर्बिटल में पहले से एक एंगुलर नोड प्रेजेंट रहता ही है, तो ये अपना नोड है. ठीक है, तो देयर आर टू नोड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग नाम क्या देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा 2pz. ठीक है, एंड सिमिलरली फाइनली एंटी बॉन्डिंग अगर हम लोगों को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस प्लस. अब माइनस और प्लस अगर ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियस है ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे,
तो कैंसिल आउट करेंगे तो एक लोब ऐसे एकदम छोटू सा बना देना, और वापस ऐसे छोटू सा लोब और कि अपना ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को नंबर ऑफ नोड्स याद रखो, ये कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऐसे। तो अगर सिग्मा स्टार 2pz में पूछा तो टोटल 3 रहने वाले, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल विच इज एंटी बॉन्डिंग एंड हैज 3 नोड्स, करेक्ट, ठीक है। तो ये था तुम लोगों के सिग्मा बॉन्ड के बारे में, लिख लो ये पार्ट, कंप्लीट कर दो ऐसे डायग्राम बना के आराम से। फिर हम लोग आज पाई बॉन्ड देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप, ठीक है। पाई बॉन्ड ही अभी बता बाकी है। ओके, हो गया सबका लिख के। तो आई गेस हो गया, लेट्स कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पाई एमओ, ठीक है, पाई मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पाई मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स। अब पॉइंट नंबर 2 इज पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में हम लोग वापस दो टाइप के ऑर्बिटल्स देखने वाले हैं। एक हम लोग देखने वाले हैं 2px और 2px के पाई एमओ, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं 2py और 2py के पाई एमओ। अब ये 2px और 2px के ही क्यों देखने वाले हैं और 2py और 2py के ही क्यों देखने वाले हैं, तो अगेन हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि p ऑर्बिटल जो है वो 3 एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 एक्सिस के ऊपर पी ऑर्बिटल अगर आ गया तो ये हो जाएगा तुम लोगों का पी वाई, ये आ गया पी जेड एंड ये आ गया तुम लोगों का पी एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे होगा क्या, तो तुम लोगों के y और y ऑर्बिटल ये ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये हम लोग कौन सा ओवरलैप बोलेंगे, ये दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल ओवरलैप, ठीक है। सिमिलरली z ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो इसे हम लोग एक्सियल बोलेंगे, बट ये लैटरली ओवरलैप करने वाला है। एंड x ऑर्बिटल भी ऐसे सामने की तरफ रहेगा और सामने की तरफ से वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो z एक्सिस पे ही सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, परफेक्ट बोला आपने प्रणव। एंड y एक्सिस हमेशा पाई बॉन्ड और x एक्सिस हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये सेम डिस्कशन हम लोगों ने वीबीटी में भी किया है आई गेस, ठीक है। तो पहला ऑर्बिटल ए 2py और 2py अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये तुम लोगों को दो ऑर्बिटल्स देंगे, एक तुम लोगों को देंगे पाई 2py विच इज बॉन्डिंग एंड दूसरा तुम लोगों को देंगे पाई स्टार 2py विच इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज बीएमओ एंड दिस इज एबीएमओ, देख लो। जब इट डिपेंड्स अलोंग विच एक्सिस वी आर ओवरलैपिंग, तो हम लोगों का नॉर्मल कन्वेंशन कैसा रहता है, हम लोग हमेशा जेड को ही प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं और वाई और एक्स को हम लोग सब्सिडरी एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी एक्सिस के ऊपर हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। मैंने तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि ये अगर एक्स से ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, जो हम लोगों ने वीबीटी में डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ओवरलैप कैसे होगा, दिस इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, देखते हैं। दिस प्लस दिस, मुझे बताओ प्लस माइनस दिस इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, दोनों अभी ऐसे ओवरलैप करने वाले, ठीक है। लैटरल ओवरलैप होगा तो मैसेज करो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो करेक्ट बोल रहे हो आप प्रणवी, दिस इज बॉन्डिंग, क्योंकि प्लस और माइनस ओवरलैप करने वाले, इशिता करेक्ट है, आयुष परफेक्ट, ओके। तो इसे दिखाने के दो मेथड्स रहते हैं, एक तो तुम लोग इसे कौन है ये, इसी का तो माइक ऑन है, टर्न इट ऑफ, ओके।
तो यहाँ पे तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं, ठीक है? तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो तुम लोग यूज कर सकते हो। अब एक मेथड तो ऐसी रहती है कि इन दोनों को ऐसे बड़ा सा दिखाओ, ठीक है? एक मेथड ऐसे है कि इन दोनों को ऐसे बड़ा सा ड्रॉ करो, ठीक है? विच इज अ क्रूड मेथड, मतलब सिंपल मेथड है और ठीक है। एंड अनदर मेथड इज देयर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? हाँ ओके। तो बोथ मेथड मेथड वर्क्स, ठीक है? तुम लोगों को जैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वैसे करो, ये तो दोनों लिख के रखना याद रहने के लिए, ठीक है? एंड फाइनली ये ओवरलैप करते हैं ना, याद रखना ये ओवरलैप करते हैं, ये नजदीक रहते हैं, याद रखो। हम लोग ये तो पूरा एक नया ऑर्बिटल है, ठीक है? ये हम लोगों ने जो अभी बनाया वो पूरा नया ऑर्बिटल है, ओवरलैप नहीं बोल सकते, ये पूरा नया ऑर्बिटल है। और दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैप, ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैप, एंड दिस इज द न्यू बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है? तो इस नए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम हम लोग क्या देंगे, π2py, ओके? एंड फाइनली अभी एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करना है, तो एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर ले रहे हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है? तो इन दोनों में जब ओवरलैप होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये ऐसे सामने सामने से आएंगे, तो सामने सामने से आएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ गई एक नोडल प्लेन, ठीक है? तो ये आ गया एक नोडल प्लेन, और ये दूसरा आ गया एक नोडल प्लेन, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज π2py, ठीक है? अब 2px भी सेम रहने वाला है, ये पाई अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो x ऐसे बाहर की तरफ ओवरलैप करेगा, इतना ही डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है? तो तुम लोगों को 2px ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अगर तुम लोगों को 2py पता है, ठीक है? सिर्फ याद रखना एनर्जी ऑफ π2px, एनर्जी ऑफ π2px इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ π2py, ठीक है? दोनों के एनर्जी सेम रहते हैं क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एंड एनर्जी ऑफ π*2px इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ π*2py, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हम लोग नेक्स्ट टाइम इनके हर एक की एनर्जीज देखेंगे एंड इनकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, ठीक है? तो चलो लिख लो, ये किसी का बाकी होगा तो कंप्लीट कर दो। एंड विद दिस वी कैन स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, यू गाइस विल गेट द PDF, ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।